टीच ऑनलाइन, टीच ऑनलाइन के टीच टॉक पे साइमा आपके सामने फिर एक और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ। इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए कहा कि रशीदा से मैंने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी हमने अदरवाइज भी कॉन्वर्जेशन की है। हमेशा उसके साथ बात करना, उससे इंटरेक्शन करना मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैंने सोचा कि चले इसको थोड़ा सा लाइव लाके और वहाँ पे डिस्कशन की जाए। शी इज़ अ लवली पर्सन, अगैन समबडी फ्रॉम द एजुकेशन फील्ड ऑफ कोर्स, क्योंकि हम काम ही यहीं पे करते हैं एजुकेशन की फील्ड में। बहुत सारे लोग हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं और सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और लेते हैं बिल्कुल स्टार्ट में हम लेते हैं रशीदा का इंट्रोडक्शन, बिकॉज जितना मैं आपका वेट कर रही थी उससे ज़्यादा रशीदा आप लोग का वेट कर रही थी। तो लेट्स टेक रशीदा इंट्रोडक्शन एंड लेट मी टेल यू अगैन lovely person she is. Yes, Rashida. Assalamu alaikum, Saima, and assalamu alaikum to my lovely audience. Main Rashida Muslim, second time Saima ke show pe aayi hoon, and it's been an honor for me ke wo mujhe invite karti hain aur mujhe yahan pe aane ka mauka mila. Is dafa ek naya topic leke aayi hoon, inshallah I hope ke the students who has been here as an audience and so also the teachers, unko कुछ ना कुछ बिल्कुल बेनिफिट होगा रशीदा, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर यू। यस, यू आर ऑडिबल, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं, वी कैन मेक सेंस आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज एज वेल। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द इनसाइट दैट यू वुड लाइक टू शेयर। रशीदा मुझे ये बताओ कि एजुकेशन फील्ड में कितना अर्सा हो गया? इट्स बीन फॉर 5 इयर्स आई एम इन दिस फील्ड। और कैसा लगता है being an educator? मतलब it was something that you wanted to do always or something that came by chance to you? No, I always want to be a teacher since my childhood. Yes, क्योंकि साइमा चाहे मुझे इस फील्ड में आने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा नहीं मैं कह रही हूँ बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैं ये चीज बहुत पहले करना चाहती थी, बट बच्चे, आप अपने घर की वजह से बहुत सारी ऐसी दूसरी चीजें होती हैं कि आप शायद अपनी आप जो करना चाहते हो ना वो करने का आपको मौका नहीं मिलता। तो ये एक टाइम आया और एंड आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। रशीदा मुझे एक और बात बताओ कि जैसे हम लोग बचपन में सभी करते हैं ना, जैसे हम टीचर बनते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, हैव यू डन एनीथिंग लाइक दैट इन योर चाइल्डहुड? दैट इज द थिंग जो मुझे हमेशा एक हिट करती रहती थी, बग करती रहती थी, और उसी चीज को लेके साइमा मैं बोलूं, क्लास आई वाज इन क्लास 9 तब मैंने ट्यूशंस देना शुरू किया था, एंड द अचीवमेंट वाज कि मैं उस बच्चे को ट्यूशन दे रही थी जिसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, एंड आफ्टर द फाइनल एग्जाम ही वाज सो हैप्पी बिकॉज दैट टाइम ही हैज स्कोर्ड अ लिटिल हाई, फेल नहीं हुआ था, उसने अपना ग्रेड बी, सी से बी कर दिया था, एंड ही वाज सो हैप्पी लाइक ही इज फीलिंग एट द 9th क्लाउड। और वो उस बच्चे के चेहरे पे जब मैंने वो जो उसकी अचीवमेंट देखी थी ना, वो मुझे लग रहा था ऐसे मैंने वो कुछ अच्छा अचीव किया है, समथिंग हाई, और उसकी वजह से आई फेल्ट के नहीं, दिस इज द टाइम के आप अपनी इस पैशन को आप चेंज करो और उसको आप क्या कह सकते हो कि एक मकसद बना लेना, क्योंकि वाकई में हम आई थिंक दिस इज द एसेंस ऑफ द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। अदरवाइज एजुकेटर्स के लिए जो हमारे लिए सबसे बेस्ट पार्ट होती है वो यही होता है कि वी एंजॉय एंड वी फील द सक्सेस ऑफ आवर ओन चिल्ड्रन। आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर एजुकेशन सिस्टम, कि जहाँ पे हम टीचर्स इतना अटैच हो जाते हैं और उनकी छोटी छोटी बच्चों की छोटी छोटी अचीवमेंट्स को हम अपनी अचीवमेंट समझना शुरू कर देते हैं, और यू नो वी स्टार्ट सीइंग आवरसेल्व्स इन देयर आईज कि किस तरह से हम सक्सेसफुल हैं और किस तरीके से हमने इस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे हमारा बच्चा कुछ कर पाया है। सो यही चीज मैं कह रही हूँ ना, जब उस उन दो बच्चों को जब मैं ट्यूशन देती थी, क्योंकि आई वॉज टू गिव दिस यूज टू एंजॉय दिस पार्ट विद माई आंट, क्योंकि मेरी आंट शी इज इन दिस प्रोफेशन सिंस 45 years, शी हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ 45 years, तो उनके साथ बैठ के मैंने जब ये ट्यूशन देना शुरू किया तो वही चीज एक हिट की कि ये तो वही चीज है जो मैं करना चाहती थी। फिर आफ्टर मैरिज बच्चे हुए एंड देन अ डे केम
जब मुझे हुआ कि नाउ दिस इज द टाइम टू जंप इनटू दिस एंड ब्रिंग माय पैशन और गिव अ ट्रू कलर टू माय पैशन, और उसके लिए जो 4-5 साल से मैं किए जा रही हूँ, एवरी अदर डे आई एम लर्निंग, एवरी अदर डे मैं हर दूसरे दिन अपना रिफ्लेक्शन लेती हूँ और देखती हूँ कि कल क्या किया था और आज किसे उसको बेहतर करना है. उसके लिए मेरे ख्याल से आप खुद जब तक ये चीज अपने में एक आप अपनी हिडन अपनी जो एबिलिटी है वो आप डिस्कवर नहीं करोगे जब तक, तो मेरे ख्याल से आप अनजस्ट हो जाता है बाज दफा अगर आप ये सारी चीजें लेट गो कर दो कि भाई टीचिंग एक प्रोफेशन है, जाना है, पढ़ा देना है, आ जाना है, पर उसको आप किस तरह से एवरी टाइम एक न्यू वे में प्रेजेंट कर सकते हो उसी चीज को. एक अब प्लेट में खाना है, नॉर्मल भी खाना होता है, आप उसको नॉर्मल तरीके से दोगे तो वो अच्छा लगेगा, पर उसी नॉर्मल खाने को आप बहुत अच्छे तरीके से जब प्रेजेंट करके देते हो तो वो सबको अच्छा लगता है, यू नो. आप तो वो चीज मैं एवरी टाइम करना चाहती हूँ एंड आई एम डूइंग सो. एक्चुअली रशीदा बहुत प्यारी बात बोली है, आई होप पीपल विल बी एबल टू गेट द मैसेज आउट ऑफ दिस. कहते हैं कि एजुकेटर्स जो होते हैं, जो एजुकेशन की फील्ड में जितने भी लोग होते हैं, उनकी लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होती. अगर उनकी लर्निंग स्टॉप हो जाए तो वो एजुकेटर नहीं रहते, वो एजुकेशन की फील्ड से ताल्लुक रखते ही नहीं है, जो कहते हैं कि मुझे सब आता है. तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली रशीदा ने, वो भी बहुत कुछ सीख रही होती है, मैं भी बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीख रही होती हूँ. एक तरीका मेरे सीखने का भी यही चैनल है, टीच टॉक है, जहाँ पे हम दूसरे लोगों को इन्वाइट करते हैं, गेस्ट से बात करते हैं, ताकि हमारी भी थोड़ी सी लर्निंग में इजाफा हो और जो है उनको भी मौका मिलता है शेयर करने का, हमें भी मौका मिलता है सीखने का. वही वाली बात है, शायद मेरा लर्निंग स्टाइल ये है जहाँ पे मैं लोगों से डिस्कस करके लर्न करती हूँ. सो रियली ब्रिलियंट यू नो कॉन्ट्रीब्यूशन बाय यू रशीदा, एंड वेरी राइटली सेड कि हर टीचर को या हर एजुकेटर को या हर एजुकेशनिस्ट को रोज़ाना कुछ सीखना चाहिए और रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि उस सीखने से हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ रहा है. दैट इज़ वेरी राइटली सेड. अच्छा मुझे एक बात बताया रशीदा कि आज आपने जो टॉपिक चूज़ किया दैट वॉज ऑटोनमस लर्निंग. ऑटोनमस बहुत बड़ा वर्ड है, कुछ इसके बारे में बताएंगी आप? इट इज बेसिकली एन एबिलिटी व्हिच यू विल व्हिच यू आप कह सकते हो कि एक वो चीज जो आप अपने अंदर मौजूद होती है और आप उसको इनहेंस करो, बाहर निकालो, एंड यू रियलाइज दैट व्हाट इट इज एंड व्हाट हिडन एबिलिटीज यू हैव इन योरसेल्फ एंड द वे यू own your ability and your responsibility to learn new things. That is autonomous learning. So it is basically so you're saying that it is about something about the, something to do with us, right? Yes. That means it has an ability which you might have, it's an ability which I might have, it's the ability yes. that every single individual has. Yes, yes. Being a teacher bhi main kehti hu ki I am also a learner. अब मेरी लर्निंग का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, बट वो उस लर्निंग के तरीके को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, दैट इज द एबिलिटी. और उसको आइडेंटिफाई करके आप अपने आप को कैसे इन्हांस करते हो, अपनी एबिलिटीज को कैसे इन्हांस करते हो, दैट इज व्हाट यू लर्न थ्रू दिस लर्निंग. बिल्कुल. यहाँ पे हमारे पास लोगों के कमेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं. ज़ारा कह रही है कि अनडाउटेडली टीचिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग मोर एंड टू सोर मोर फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर स्टूडेंट्स. मेरे ख्याल से हम वन वे और दी अदर रशीदा हम लोग कल्चर नहीं क्रिएट करते, क्योंकि अगर हम अपने आप पे कह देते कि हमें सब कुछ आता है तो हम बच्चों को भी यही मैसेज दे रहे हैं इनडायरेक्टली, नॉट इन वर्ड्स प्रॉब्ली, इन आर एक्शंस प्रॉब्ली, कि ठीक है लर्निंग एक वक्त आता है जब लर्निंग डन हो जाती है. तो अगर हम खुद एक लर्निंग सिनेरियो में थ्रू आउट होंगे तो आई थिंक हम वो मैसेज पास ऑन करेंगे कि लर्निंग इज लाइफ टाइम. तो यही इट इज अ लाइफ लाइन प्रोसेस, इट इज अ लाइफ लाइन प्रोसेस. आप ये वाली चीज अगर आप ये सोच लो कि मैंने सीख लिया है एंड दैट इज डन, आई एम डन विद इट, तो मतलब आपकी लर्निंग वहां पे खत्म हो गई है. एवरी अदर डे व्हेन यू आर गोइंग टू द क्लासरूम यू आर लर्निंग फ्रॉम ईच चाइल्ड. वो हर बच्चा आपको कुछ सिखा रहा है जिस तरह वो बच्चा आपसे सीख रहा है, एंड दैट इज द एबिलिटी ऑफ अ टीचर टू एक्सेप्ट दैट एंड टू लर्न फ्रॉम देयर ओन स्टूडेंट्स. बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं क्लास में और
रशीदा somehow has been disconnected. कुछ सवाल, कुछ लोग अपने सवाल पूछते जा रहे हैं. होल्ड बैक टू योर हॉर्सेस, कोशिश करें कि अपने सवाल अपने तक होल्ड करके रखें. रशीदा के पास बहुत प्यारी सी प्रेजेंटेशन है, जब रशीदा वो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेंगी हमारे साथ, उसके बाद हो सकता है कि ऑलरेडी जो हमारे पास सवाल है वो आंसर हो जाएं, और उसके बाद भी अगर आपके पास सवाल होंगे तो डेफिनेटली हम उनको ऑन बोर्ड ज़रूर लेंगे. इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है टीचर्स के लिए, हम सब के लिए, हम सब काम कर रहे हैं इसी फील्ड के लिए, और हमें जहाँ जहाँ मुश्किलें आती हैं हम उसको हैंडल करते हैं, हम अपने तरीके से उसको मैनेज करते हैं. अगेन वही वाली बात कि लर्निंग ना हमारे लिए रुकनी चाहिए ना किसी और के लिए रुकनी चाहिए. जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो हमारे पास अक्सर और बेशतर ये क्वेश्चन आता है कि हम अपनी लर्निंग को किस तरह से कैरी ऑन करें, हम अपनी लर्निंग को कैसे लेके आगे बढ़ें. जी रशीदा हमारे पास कॉल पर हैं, लेट्स सी व्हाट शी हैज़ टू से. जी रशीदा कोई बात नहीं, आप डिस्कनेक्ट हो गई होंगी, वापस से कनेक्ट हो जाएं, वापस से ट्राई करें, बिल्कुल हाँ बंद करके फिर ट्राई करें. ठीक है, ऑल द बेस्ट. ओके, कनेक्टिविटी इशू है. जैसे कि हमने बात किया कि कल्चर हम क्रिएट करते हैं लिखने पढ़ने का, और जहाँ जहाँ हमें, वही वाली बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्या सीखें, पहले आइडेंटिफाई करें कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है. तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपके लर्निंग में गैप्स हैं, देखें कुछ चीज़ें हमारी स्किल्स होती हैं, कुछ चीज़ें हमारी लैंग्वेज होती हैं. लैंग्वेज में अगेन क्या हमें उर्दू की तरफ जाना है या इंग्लिश की तरफ जाना है, कहाँ नई नॉलेज है. हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस किया था ताहिरा के साथ कि नई नॉलेज हमें कहाँ मिलेगी या लैंग्वेज में मिलेगी. तो लैंग्वेज एक टूल है, लेकिन अगर हमें उर्दू में चीज़ें मिलती हैं हम उर्दू में ले लेंगे, हम इंग्लिश में मिलती हैं हम इंग्लिश में ले लेंगे. लर्निंग शुड गो ऑन, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कहाँ गैप्स है और हमें उसको कहाँ से ब्रिज करना है. और इसके बाद हर वक्त एजुकेशन की फील्ड में कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं, तो हमें किस चीज़ को लेके हमारी लर्निंग भी बेटर होगी और वही चीज़ हम स्टूडेंट्स में ट्रांसफ़र भी कर पाएंगे, ये चीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. तो रशीदा हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, लेट्स टेक हर ऑन बोर्ड अगेन. वेलकम बैक रशीदा. सॉरी सॉरी सॉरी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. इंटरनेट इश्यूज होंगे, कोई मसला नहीं है. मे बी बिकॉज ऑफ दैट. हाँ जी, सो वी वर, आप अभी मैंने आपकी जैसे बात सुनी कि आप इंग्लिश में हो या उर्दू में हो, आप किसी भी तरीके से कोई भी चीज या ऐसी आप जो आपकी लर्निंग को एनहांस करे. बिल्कुल, मैं जैसे हमारे यहाँ पे एक लैंग्वेज की बात की जाती है, लैंग्वेज की बात की जाती है कि इंग्लिश इज आर सेकंड लैंग्वेज, बट बेसिकली साइमा मैं आपसे ये कहूंगी इट इज नॉट आर सेकंड लैंग्वेज, इट इज आर थर्ड लैंग्वेज. हमारी मदर टंग अलग है, उर्दू हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, और फिर ये हमारी इंग्लिश को हम बोलेंगे कि सेकंड लैंग्वेज है. अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर सकते, वो उनकी इनकी कैपेबिलिटी नहीं होती है वो इंग्लिश में कन्वर्स कर सके, तो वो अपने आप को ये सोचने लग जाते हैं कि हम शायद आप ये बोल दें कि सोशल नहीं हो सकते हम ज्यादा, हम लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, और ये कॉन्सेप्ट वो लोग बिल्ड करना शुरू कर देते हैं. एक इंटरेस्टिंग बात मैंने अभी रिसेंटली रशीदा किसी से की है, दैट लेडी इज गोइंग टू बी विद अस इन द नेक्स्ट शो एज वेल. मुझे एक बात बताएं कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि शायद हमें उर्दू में पता ही नहीं है. वाकई उसको हम उर्दू में भी इंग्लिश में बोलते रहते हैं. तो जैसे कि मैं सिंपल सिंपल वर्ड्स, हमने हमने वो डिस्कस भी किए बहुत सारे कि ड्रेसिंग टेबल हमें नहीं पता उसको क्या कहते हैं उर्दू में, क्योंकि हमने सुना ही ड्रेसिंग टेबल है, हमने ड्रेसिंग टेबल ही सुना है. हाँ भाई, अपने ऑडियंस में से पूछती हूँ ड्रेसिंग टेबल को उर्दू में क्या कहते हैं बताएं, वरना हमारे जो गेस्ट नेक्स्ट वीक आएंगे वो बताएंगे कि ड्रेसिंग टेबल को उर्दू में क्या कहते हैं. इसी तरह से लाइटर, जिससे हम जो चूल्हा जलाते हैं, ठीक, क्या कहते हैं उसको उर्दू में. तो हमारे पास लैंग्वेज जो बैरियर हमने क्रिएट किया है वो ऑटोमेटिकली हमने खुद क्रिएट किया है, बिकॉज उर्दू अगर हम कहते हैं कि हमारी उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज भी है, तो सेकंड लैंग्वेज भी हमें कौन सी पूरी आती है. सही, आपको एक लैंग्वेज पे तो पूरा कमांड होना चाहिए ना, ना आप इधर में हो ना इधर में हो.
दोनों तरफ, हाँ वो वाली बात आ जाती है हाँ जी जवाब आ गया श्रृंगार में श्रृंगार में सही। और यहाँ पे देखे जवाब आई डोंट नो, रशीदा शब्बीर कह रही है कि तो श्रृंगार में, रशीदा शब्बीर लाइटर का भी मैं वेट कर रही हूँ, लाइटर क्या होता है ये भी बता दे गुड वाइब्स एक और जो है वो श्रृंगार में जवाब आ गया ठीक है। ये वो तरीका है। अब ये इसके बाद मैं एक बात ऐड करूंगी कि ये आपकी लर्निंग अब आपने कैसे की। आपने जैसे ही वो वर्ड बोला वी स्टार्ट गूगलिंग दैट वर्ड, कुछ भी आपके पास आंसर आ गया। अब आपकी ये आपकी आप कह रहे हो कि आपकी ये एबिलिटी है कि मैं इसको इस तरह से पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ और मेरे लिए ये इजी तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखिए यहाँ पे एक और कंट्रोवर्सी हो गई, ड्रेसिंग टेबल इज कॉल्ड सिंगारदान, इट इज नॉट अ सिंगारदान इट्स अ सिंगार मेज बिकॉज़ इट्स अ टेबल एंड इट्स नॉट अ पॉट। यहाँ पे एक और कॉन्फ्लिक्ट चलेगा कमेंट बॉक्स के अंदर, सिंगार मेज और सिंगारदान के। तो अगेन लैंग्वेज हमारा बैरियर है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि लैंग्वेज हमारा बैरियर है। अगर हम कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं बच्चों के साथ तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा या तो हम इंग्लिश मीडियम है या तो हम उर्दू मीडियम है। तो कीपिंग इन माइंड कि अगर हम इंग्लिश मीडियम है तो कम्प्लीटली हम इंग्लिश में कन्वर्स करें, और अगर हमें लगता है कि हम उस लेवल पे नहीं है तो हमें उस अपने आप को उस लेवल पे लाना पड़ेगा। अगेन वही वाली बात है कि हम टीचिंग इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीच कर रहे हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस लैंग्वेज को फुल्ली एक्वायर करें और उसमें टीच करें ठीक है। और अगर हम उर्दू मीडियम है तो ठीक है, पर उर्दू पूरी सीखें, देयर इज नो हार्म इन दैट, देयर इज नो हार्म इन दैट। Exactly. तो ये देखें एक ने किसी ने उर्दू में भी लिख दिया कि इट्स अ सिंगार मेज ठीक है ना, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन जो है वो अच्छा लाइटर का भी जवाब आ गया है प्रॉबेबली। अच्छा ये देखिएगा, एक इन्होंने लिखा है रोशनी ए, अब मुझे नहीं पता ये रोशनी ए क्या है। अच्छा एक कह रहे हैं लाइटर मीन्स जलाने वाला मादा। अपने तरीके हैं सबके, अब आप उसको ट्रांसलेट कर लो वर्ड बाय वर्ड या तो गूगल कर लो या आपकी प्रायर नॉलेज पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल हसन कह रहे हैं कि रोशनी 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 ए क्या मतलब है, मुझे यहाँ पे अभी भी क्लियर नहीं हुआ, काफी सारे लोग यही कह रहे हैं। इवन रुकैया हैज टू से इट्स रोशनी ए, रोशनी रोशनियां जितना रोशनियां नहीं, इट्स स्टिल डिफिकल्ट मे बी वो जो भी गूगल ने उनको जवाब दिया होगा दे आर टाइपिंग दैट एंड दे आर अनेबल टू टाइप दैट, रोबोट उर्दू इज बिकमिंग अ क्वेश्चन फॉर देम, यू नेवर नो। यहाँ पे एक और कह रहे हैं क्यूरियोसिटी क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी कीप राइजिंग दीज क्वेश्चंस टू योर ऑडियंस। अच्छा और कोई दिमाग में ऐसा वर्ड आ रहा है रशीदा जिसको हम सवाल पूछे और लोग जो है उसको परेशानी में ढूंढे कि उसको उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? लाइट 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 बिजली लाइट बिजली लाइट कुड बी इजी ओके वी नीड टू थिंक मोर हाँ मोर डिफिकल्ट वर्ड मोर डिफिकल्ट वर्ड गूगल का उर्दू करके दिखाए। हाँ जी गूगल इज टेलिंग अस दिस, यस देखा जवाब मिल गया गूगल इज टेलिंग अस दिस। सो अगेन वही वाली बात है कि बहुत सारी चीजों में हम बहुत सारी चीजों के वो जो है डिपेंडेंट हो गए हैं। जैसे एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है कि टिकट को उर्दू में क्या कहते हैं, टिकट को उर्दू में टिकट ही कहते हैं, उर्दू में लिखते भी टिकट ही कहते हैं, लिखते भी टिकट है, ड्रेसिंग टेबल को उर्दू में ड्रेसिंग टेबल नहीं लिखते नहीं लिखते। अच्छा ड्रेसिंग ड्रेसिंग टेबल ड्रेसिंग टेबल हो गया, डाइनिंग टेबल भी ढूंढे, दैट्स अनदर प्रॉब्लम। साइमा हैज अ ग्रेट वोकैब फॉर यू ऑल सो बी रेडी, ही मेक्स यू कीप गोइंग टू कीप ऑन मेकिंग यू क्रेजी बाय दीस बाय हर वर्ड्स। Exactly. So the point over here is that we are not aware of any one language in complete form, and there is no point over here to fight over it because there are lots of people who are saying कि नहीं ये बहुत अच्छा हुआ है कि हमारी जो basic knowledge है जो उर्दू में करवाई जा रही है तो उर्दू में बहुत अच्छा है कि हमारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। मुझे एक बात बताएं, जो उर्दू भी आपको किताबों में पढ़ाई जाती है वो और जो आप अपनी normal जिंदगी में बोलते हैं उसमें कितना फ़र्क है। मेरे हिसाब से तो जो उर्दू किताबों में लिखाई जाती है ना वो आसान फारसी है। सही
बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स व्हिच आर देयर इन उर्दू बुक्स, जो कि तदरीस क्या चीज है, व्हाट इज तदरीस, व्हाट इज यू नो, मुझे तो बहुत सारे वर्ड्स अभी बहुत रिसेंटली पता चले हैं, मनफी और मस्बत. आई मीन वी डोंट यूज दीज वर्ड्स मनफी एंड मस्बत इन आर रेगुलर लैंग्वेज. सो यस, इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क कि हमें जब पूरी एक लैंग्वेज नहीं आती है तो हम कहाँ पे अपने आप को स्टैंड करते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है हमें इस लैंग्वेज में जो है वो पढ़ाया जाए. तो ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क. जो ऑटोनोमस लर्निंग पे वापस आते हैं हम, वुड यू लाइक टू शेयर योर प्रेजेंटेशन रशीदा? यस आई थिंक मैम आई यू हैव द प्रेजेंटेशन. यस ओके ओके यू आर प्रेजेंटिंग. वुड यू लाइक टू स्टार्ट? ऑल योर्स. ओके हां, इट्स स्टिल नॉट डिस्प्लेइंग ऑन माय स्क्रीन. ओके just wait for a while. I hope you are presenting, right? Yes, it's already there on the screen. You can see on our screen. Nazar aa rahi hai yahan pe presentation. No, I can't see the screen. Are you able to see me? Yes, I am. To aapko teesri window nazar nahi aa rahi jahan pe presentation ho rahi hai? Nahi nahi, wo mujhe nazar nahi aa rahi hai. Agar aap chahe to apni presentation apne paas khol le. Haan, I first slide pe hain. Theek hai, hum first slide pe. What is autonomous learning? An autonomous and it is an basically an approach to learning in which the learners hold the power to write, to regulate and control their own learning activities. जब हम यहाँ पे ये बात करते हैं तो उसका यही बात आती है कि आपने किस तरीके से अपनी abilities को जाना, उसको आप किस तरह से अपनी ownership ले रहे हो कि मुझे क्या करना है और कौन कौन सी ऐसी डिफरेंट स्किल्स हैं जो मेरे अंदर ऑलरेडी इन गिफ्टेड हैं और मैं उनको किस तरह से अपनी इन स्किल्स को कैसे आप कहते हैं इनहांस कर सकती हूँ और या कर सकता हूँ. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू ऑफ टेकिंग ओनरशिप ऑफ व्हाट एवर यू आर डूइंग. ओके, सो सो आर वी गोइंग टू रिलेट इट विद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एज वेल इनटू सम एक्सटेंट? यस यस, सेल्फ रेगुलेशन की ही बात कर रहे हैं मैं कि सेल्फ रेगुलेशन भी, यस इट इज रिलेटेड टू दैट. ओके गुड. अच्छा, बिफोर मी मूविंग टू आवर सेकंड स्लाइड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एंड फॉर माय ऑडियंस. ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड स्टूडेंट? हाँ जी, ये तो बहुत सारे बच्चे बताएंगे भाई, बच्चे भी बताएंगे, टीचर्स भी बताएंगे, भाई आपको क्या लगता है कि एक अच्छा स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? मेरे अगर मुझे कहें तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनाना चाहूँगी जिसको अपना लर्निंग स्टाइल पता हो, जिसको अपना अपनी इंडिपेंडेंट लर्निंग करना आता हो, जो कि जो किसी पर डिपेंडेंट ना हो. ठीक है, आई वुड लाइक टू हैव अ स्टूडेंट हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एंड हु इज नॉट फियरफुल टू आस्क क्वेश्चंस, बहुत ही ब्लंट हो सवाल पूछने में. मतलब यहाँ पे मुझे लगता है कि उस तरह के स्टूडेंट को जवाब देने के लिए मुझे जो है ना अपने आप में कुछ मतलब कुछ कुछ करना पड़ेगा टू बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. बिकॉज मैं ये नहीं समझती कि मुझे सब कुछ आना चाहिए एज अ टीचर, लेकिन जिस तरह से उसमें वो इंडिपेंडेंट लर्निंग का एक वो होगा, जज्बा होगा, वो जज्बा ऑटोमेटिकली मेरे अंदर भी वाइब्स क्रिएट करेगा जहाँ पे मैं अपने सवालात के जवाबात खुद ढूंढने की कोशिश करूंगी या उसके सवालात के अंदर खुद भी इंगेज हो जाऊंगी. सब व्हाट लाइक दैट. यस यस यस, लेट्स सी व्हाट द ऑडियंस वांट्स टू से. अगर हम एक स्टूडेंट की, हाँ अगर हम एक स्टूडेंट, ये बिल्कुल ठीक है, ये अगर मैं कहूंगी कि ये आजकल के जवाब है, अगर हम पुरानी बातें करते हैं तो एक बेस्ट स्टूडेंट की एक जो डेफिनेशन बनती है ना वो यही आती है कि रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पेक्टफुल हो, उसके अच्छे ग्रेड्स आते हो. आया आया है, देखिए आया है, आया है, एक्सप्रेसिव हो, जो है वो कह रहे हैं रिस्पेक्टफुल हो, थोड़े एक आधे किसी ने इंडिपेंडेंट भी कह दिया है, ओबीडियंट भी होना चाहिए. हाँ, तो ये सारी चीजें हम एक अच्छे स्टूडेंट में देखते हैं. बट अगर हम एक ऑटोनमस लर्नर की बात करते हैं, नाउ वी शुड मूव टू द सेकंड स्लाइड. ऑटोनमस लर्नर, लर्नर और स्टूडेंट में भी बहुत ज्यादा फर्क है. एंड इट माय स्लाइड कैन बेटर एक्सप्लेन इट टू एवरीवन कि जब एक ऑटोनमस लर्नर की बात करते हैं तो वो स्टूडेंट लर्नर बन जाता है और टीचर ऑटोमेटिकली फैसिलिटेटर बन जाएगा. बिल्कुल, स्टूडेंट हमेशा अपने टीचर की तरफ देखता है फॉर एवरीथिंग, टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, फॉर ऑल हिज क्वेरीज एंड क्वेश्चंस. वेयर एज अ लर्नर
he will going to pursue their own passions, seek their own knowledge and develop their own skills. जो आपने अभी बात की साइमा कि वो खुद ही अपने सारी चीजें खुद ही ढूंढेगा. And being a teacher, जो कि अब facilitator है, that will only support the learner, encourage the learner in that learning process. जैसे हम PBL की बात करते हैं, प्रोजेक्ट लर्निंग बेस की बात करते हैं. प्रोजेक्ट लर्निंग बेस में क्या होता है, हम एक जो टीचर होता है, एक अब आपने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम करवाए, जब आपने ये प्रोग्राम करवाए तो आपको एक टाइम पे फील हो रहा होगा कि मैं टीचर बन जाऊं, ठीक है, पर वो टीचर बनने का जो चीज है ना, वो यहाँ इस टाइम पे, इस फेज पे हमें रोकना पड़ता है. क्योंकि अगर इस टाइम पे एक टीचर टीचर की तरह अपना रोल प्ले करेगा तो वो लर्नर स्टूडेंट ही रहेगा, वो लर्नर नहीं बन पाएगा. बिल्कुल. तो वो उसको फैसिलिटेट करना लाजमी है. वो ये जो दो चीजें आप एक कॉन्फ्लिक्ट करती है ना, स्टूडेंट वर्सेस लर्नर और टीचर वर्सेस फैसिलिटेटर, वो हर किसी को समझना लाजमी है. हम एज अ टीचर को भी और स्टूडेंट को भी एज अ लर्नर, अगर वो बनना चाह रहा है तो. लेकिन जो हमारा कल्चर है रशीदा, और जो अदरवाइज भी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कल्चर पर्टिकुलरली इन स्कूल, अदरवाइज एट होम ऑल्सो, हमें अपने बच्चे को हर चीज़ तैयार करके देने की आदत है. हम अपने स्कूल में भी हम कोशिश करते हैं कि एज अ टीचर हम जो है वो सब कुछ एक इंजेक्शन के अंदर मिल जाए ना, तो हम एक इंजेक्शन बना के ना इंजेक्ट करते हैं कि बच्चों को बस आ जाए किसी तरीके से. अब उसमें उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हमने, सारे न्यूट्रिशंस डाल दिए हमने, सब कुछ डाल के एक प्लेट तैयार करके कि प्लीज खा लो. अब बच्चे नहीं खा रहे होते, उसमें हम दिवाले बना बना के खिला रहे होते, खा लो बस किसी तरीके से खा लो. अब वो चाहे फूड हो चाहे फूड ऑफ थॉट हो, वी आर हैबिचुअल ऑफ फीडिंग आवर चिल्ड्रन. ये जो हम कहते हैं ना, वो ट्रेडिशनल टीचिंग वाला जो टच, वो आज तक खत्म नहीं हुआ. एंड इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम. एंड फॉर दैट आई थिंक अगर एक टीचर वो फैसिलिटेटर बन गया, स्टूडेंट को लर्नर बनाना इज नॉट अ बिग डील. क्योंकि उसको मोटिवेशन की जरूरत है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग. मैं अपनी बात करती हूँ एंड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, अगर हम मुझे अगर एक टीचर से फैसिलिटेटर वाली बात जो मैंने भी फील की थी, वो मैं साइमा इमरान के पीबीएल वाले वर्कशॉप के बाद की थी. लिटरली उस वक्त वाकई फील हुआ था कि हम लोग सिर्फ स्पून फीड कर रहे हैं बच्चों को, उनकी स्किल्स को डेवलप. हाँ, स्किल्स डेवलप करने के लिए हम करिकुलम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें करते हैं, पर फिर वही बात आ जाती है, हम लोग जब क्लास में जाते हैं ना, वो कॉन्टेंट बेस पे आके बैठ जाते हैं कि हमें कॉन्टेंट पर आना है, कॉन्टेंट पर आना है. तो लिटरली ये वाला, और एक मैंने अपना भी एक स्टेम का वर्कशॉप अटेंड किया, उस वक्त मुझे ये फील हुआ कि जब तक आई एम नॉट गोइंग टू एम्पथाइज फॉर माय स्टूडेंट, मैं एक फैसिलिटेटर तो नहीं बन सकती, मैं टीचर ही रहूंगी. और इस चीज को चेंज करने के लिए ये जो दो चीजें मेरे लाइफ में हुई हैं, स्टेम का वर्कशॉप और मिस आयमा इमरान वाला वर्कशॉप, that has changed me entirely. रशीदा, मैं ये establish करना चाहूँगी जो आपने कहा, I don't know किस तरह से लोग इसको लेंगे, लेकिन I would really like to say this कि actually होता क्या है. मैं थोड़ा सा यहाँ पे context बनाना चाहूँगी. हम जो structured teaching करते हैं, हम कहते हैं knowledge से लेके creativity की तरफ, जो project based learning है और STEM education है, वहाँ पे हम अपनी अपनी जो teaching है उसकी उसको you know kill करते हैं और हम यहाँ फैसिलिटेशन, कंप्लीट फैसिलिटेशन पे आते हैं. उसका पर्पस ये होता है कि बच्चों को जब हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट लर्निंग करवानी है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये दो चीज़ें बहुत चैलेंजिंग टास्क है कि एक तो ये कि इंडिपेंडेंट लर्निंग के लिए बच्चों को रेडी करना है, दूसरा लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए करना है. 21st century स्किल्स की हम बात करते हैं और हम क्लासरूम में करवाते क्या है, छोटी छोटी एक्टिविटीज. उन छोटी 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 एक्टिविटीज का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता. ऑल दोज पीपल हु स्टिल हैव क्वेश्चंस ऑफ हाउ टू गो अबाउट इट, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ें. आई ऑल्सो कंडक्ट ट्रेनिंग सेशंस फॉर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, लेकिन 30 hours की ट्रेनिंग के बाद भी, और उसमें अगर 15 या 20 लोग होते हैं, बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग
मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा होता है कि 20 लोगों में से मेरे ख्याल से 6 होते हैं या 7 होते हैं या 8 होते हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हमें फैसिलिटेटर बनना है, हमने अपनी फैसिलिटेशन को ऑन करना है, टीचिंग को रोकना है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पे इतना खो गए हैं कि भाई अगर आप कहते हैं कि उसका प्रोसेस है, वाटर साइकिल का प्रोसेस है, तो वाटर साइकिल हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम उसको पढ़ाना ज़रूरी समझते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या है, एवेपोरेशन क्या है, लेकिन उसकी रियल ज़िंदगी में क्या एप्लीकेशन है और फ्यूचर में इसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए कि उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बच्चों को इम्पोर्टेंस खाली समझ में ना आए मगर उससे कुछ और नया इनोवेटिव आइडिया भी आ सके जो कि वो शायद अपनी अपनी किसी जिंदगी में किसी भी पहलू में किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सके। दैट इज ऑल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज अबाउट लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग। लेकिन यहाँ पे कोशिश ये होती है कि हम थ्रू आउट बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं देते और सिर्फ मौके देते हैं उस कॉन्सेप्ट को खुद फाइंड आउट करने की और खुद रिसर्च करने की और अपनी रियल लाइफ से एप्लीकेशन से कनेक्ट करके उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ के उसके सोल्यूशन निकालने की और ऐसे नए सोल्यूशंस पॉइंट आउट करने की जो उससे कनेक्टेड हो शायद। तो दिस इज समथिंग दैट आई थिंक रशीदा इज टू बीन टॉकिंग अबाउट, लेट्स टेक हर ऑन बोर्ड अगेन। यस रशीदा, सो Sorry, I'm having वेरी some net नहीं, issues. दैट्स परफेक्टली फाइन, इट्स अ रेगुलर रूटीन, वी आर ऑल लिविंग इन द सेम कंट्री एंड वी ऑल फेस द सेम इश्यूज, सो दैट्स परफेक्टली फाइन। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर आस्किंग क्वेश्चंस और बहुत सारे लोगों को आपने हिला दिया है टीचर और फैसिलिटेटर वाले कॉन्सेप्ट में, बिकॉज आई नो इट्स इट्स हार्ट ब्रेकिंग समटाइम्स कि हम देखते हैं कि बच्चों को हम किस तरीके से, हमने वही वाली बात है मेरे ख्याल से रशीदा आपने शायद एग्जाम्पल सुनी हो कि बच्चे को भी जब दूध देना चाहिए जब वो रोए, जब वो चीख के मांगे, जब वो रोए, उसका रीजन यही राइट बताया जाता है कि लेट देम स्ट्रगल, उनको स्ट्रगल करने की आदत डालें, और जो कि हम स्ट्रगल करने की आदत नहीं डालते, बच्चों को इजी अवेलेबिलिटी कर देते हैं हर चीज की, हमारे बच्चों को सही मेहनत करने की आदत नहीं होती। शायद हमें भी मेहनत करने में बड़ी मुश्किल इसीलिए आती है क्योंकि हमारी आदत नहीं है मेहनत करने की, हमें हर चीज प्लेट में मिली है, क्योंकि चाहे वो खाना हो चाहे वो टीचिंग लर्निंग हो। सही सही और एक टीचर को भी अपना काम इजी करने के लिए वो सारा चीज उसको प्लेट में देना सर्व करना ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि एक बिल्कुल फैसिलिटेटर का काम ज्यादा टफ है एक टीचर से, क्योंकि उसको मोटिवेट करना है, उसको पता है कि उस अपने स्टूडेंट को किस तरह से और कितना किस तरह से गाइडेंस देनी है, क्योंकि हर बच्चे का एक लेवल होता है और उस ग्रेड के हिसाब से उस टीचर को, उस फैसिलिटेटर को उसको गाइडेंस देना लाजमी है, ना ज्यादा ना कम। आप कहते हो ना कि एक चम्मच और एक दवाई देते हैं, तो दवाई में भी मेजरमेंट दी होती है कि 6 महीने के बच्चे को इतनी दवाई देनी है और 1 महीने साल के बच्चे को इतनी मेजरमेंट में दवाई देनी जा रही है, ये भी इसी तरह से है। बिल्कुल ये सारी चीजें एक फैसिलिटेटर के हाथ में है। अब वो किस तरह से उसके सामने वो सारे टास्क रखे, वो सारी एक्टिविटीज रखे, और वो किस तरह से उन बच्चों को इंगेज करे। एक फैसिलिटेटर विल जस्ट गोइंग टू शो द पाथ एंड दैट द पाथ थ्रू विच द स्टूडेंट द लर्नर विल गोइंग टू फाइंड आउट और आइडेंटिफाई इट्स देयर एबिलिटीज। बिल्कुल, यहाँ पे एक करीम जो है वो हमें सवाल पूछ रहे हैं कि सो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट ऑटो डिटेक्टिज्म, यानी कि डिटेक्ट करवाना है जो है वो यू नीड टू बी, एक होता है ना कि हम डिक्टेटरशिप में जा रहे हैं, लेकिन डू यू रियली थिंक इट्स व्हेन यू आर बिकमिंग यू ऑथराइज यू बींग एन अथॉरिटी बट यू नॉट यू टॉकिंग अबाउट इट्स एन अथॉरिटी बट विच इज एन ऑटो ऑटो अथॉरिटी नॉट समथिंग दैट यू आर जेनरेटिंग। इट मे बी एन अथॉरिटी करीम, वॉट आई बिलीव, आई डोंट नो रशीदा, वी माइट ऑल्सो कंसिडर योर पॉइंट ऑन दिस, बट इट्स नॉट काइंड ऑफ एन अथॉरिटी आई बिलीव। लेकिन यहाँ पे होता यह है कि आप बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम्स में डालें जो कि उनकी जिंदगी से कनेक्ट हो जाएं, और जब वो कनेक्ट हो जाएं तो उस प्रॉब्लम का सलूशन वो इतने खुशी से निकालें, और उस खुशी से प्रॉब्लम के सलूशन निकालते निकालते कॉन्सेप्ट पढ़ लें खुद ही। यस सो यस इट इज ऑटो बट इट्स नॉट एन अथॉरिटी, इट्स लाइक यस एवरीथिंग इज प्लान्ड बट इन अ वे वेर इन के बच्चों की इंगेजमेंट लेवल को बूस्ट किया जा सके। राइट बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये वही वाली बात आ जाती है साइमा, जैसे हम कहते हैं ना कि आप उसको एक प्रॉब्लम में डालो
अब वो जब जैसे आपने बोला कि एक बच्चे को आप खाना, उसको रोएगा तो वो आपको आपके पास आएगा खाना मांगने के लिए, या आप उसको पहले से खाना दे दोगे। इसी तरह से जब तक आप उस बच्चे को किसी चीज का टास्क नहीं देते या प्रॉब्लम में नहीं डालते, तब तक वो उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेगा। हम तो डायरेक्ट सोल्यूशन ही दे रहे हैं उनको, प्रॉब्लम तो कहीं नहीं दे रहे। अच्छा, यहाँ पे एक और सिद्धा हमारे पास सवाल पूछ रही है कि ह्यूमन फैसिलिटेटर बनना ही टाइम टेकिंग है, तो इज इट रियली टाइम टेकिंग? मतलब ये कि जो मुझे लगता है, आई डोंट नो इफ यू अग्री विद दैट और नॉट, के टाइम टेकिंग से ज़्यादा मेरे ख्याल से ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कि मैं वो टीचर नहीं हूँ जिसका मतलब टीचर है जिसको नो इट ऑल, नो इट ऑल वाला पोजिशन कि भाई मुझे सब कुछ आता है एंड आई शुड बी एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। नहीं, दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स कि जो हम बच्चों के साथ स्टडी कर सकते हैं। या टेक्नोलॉजी भी वक्त आया था रशीदा, आई बिलीव कि लॉट्स ऑफ पीपल वर नॉट एबल टू यूज़ टेक्नोलॉजी, तो हम अपने बच्चों के साथ भी सीख रहे थे। कुछ लोग ऑलरेडी जो क्लासरूम में भी इस्तेमाल कर रहे थे, प्रोजेक्टर इस्तेमाल नहीं करना आता, बच्चों को कह दिया कि आए प्रोजेक्टर वो करें, स्टार्ट करें। जब ऑनलाइन हमारे सेशन शुरू हुए थे तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स होंगे साइमा, मैं अगर ऑडियंस में भी मौजूद हूँ, जिन्होंने वाकई फाइट किया था इस चीज के लिए, क्योंकि दे वर नॉट टेक्नोलॉजी स्मार्ट, वो लोग गैजेट स्मार्ट नहीं थे जितने बच्चे होते हैं। उन टीचर्स को उस चीज को सीखने के लिए, और किस तरह से वो टीचर्स फिर बच्चों को किस तरह से फैसिलिटेट करती है। बाज ऐसे स्कूल्स होंगे जहाँ पे उन बच्चों को भी शायद इतना एडवांस इन चीजों के बारे में नहीं पता था, हर चीज सबके लिए नया था उस वक्त, बिल्कुल, और अभी भी है। एंड बाय दिस टाइम नाउ एवरीवन कैन से कि हाँ, हम इतने कैपेबल, टेक्नोलॉजी की हमें भी नोहाउ और सेंस है। तो दैट इज ऑल कि आप जब उस प्रॉब्लम में हम आए तभी हमने सीखा। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। अब इससे हम सब जो ऑनलाइन लेता था स्कूल से, घर से, एवरी डे वो नई स्ट्रेटजीज और टेक्निक सीख रहा था। पहले तो जूम पे क्लास कैसे लेते हैं, आधा टाइम तो उसमें हमने 15-20 दिन उसमें निकाले थे, किस तरह से टीम पे क्लास लेते हैं, गूगल क्लासरूम में क्या करना है, ये सारी स्ट्रेटजीज थी जो हमने टाइम वक्त के साथ सीखी। और अब माशाल्लाह, आई मीन मुझे नहीं लगता कि आप कोई टीचर ऐसी होगी जो कहेगी कि मुझे जो है वो जूम इस्तेमाल करना नहीं आता, yes, या मुझे गूगल yes. मीट इस्तेमाल करना नहीं आता। जो भी वो मीडियम यूज कर रहे हैं कोलैबोरेट करने के लिए, वॉक टॉक करने के लिए, इंटरेक्शन के लिए, आई थिंक एवरीबॉडी इज समवॉट प्रोफेशनल इन सम वन वे और द अदर। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, जैसे आपने छोटे छोटे वीडियोस बना के शेयर किए थे टूल्स वाले, रिमेम्बर, मैं अपनी बात करती हूँ, हमने खुद उसी से सीखा था, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम था कि इन टेक्नोलॉजीज को हम किस तरह से एक दूसरे अपने लेसन्स में इंक्लूड करें, इनकलकेट करें। एक एक ग्रुप डिस्कशन हो रही है, चार हम लोग टीचर्स बैठे हुए हैं, आपस में एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, आप इस वेबसाइट से भी बच्चों को हम ये पढ़ा सकते हैं, इस तो ये सारी चीजें इतनी हमारी लर्निंग को इन्हांस करती जा रही थी डे बाई डे। तो पेंडेमिक में जो लर्निंग हुई है, मैं कहती हूँ लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। सो यही एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बहुत अच्छी सी एग्जांपल है, जहाँ पर टीचर्स ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की, इन द सेंस के पेंडेमिक एक प्रॉब्लम के तरीके से आया, ऑब्जेक्टिव वही था बच्चों को पढ़ाना, हर टीचर ने अपने तरीके से अपने सोल्यूशन को निकाला और ऑब्जेक्टिव को अचीव किया। तो मकसद यहाँ पे क्या था कि हमारा वो जो ऑब्जेक्टिव था, जो हमारा गोल था बच्चों को पढ़ाना, उसके लिए हमने रास्ता कोई भी लिया हो, रास्ता इज नॉट इम्पॉर्टेंट, चाहे वो टीच ऑनलाइन का चैनल हो, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, चाहे वो रशीदा की कोई कुलीग उससे आके पूछती है कि रशीदा ये कैसे करना है। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बच्चे भी ढूंढना जानते हैं अगर उनको प्रॉब्लम में डाला जाए तो। अगर एक टीचर इस तरह से लर्निंग करता है तो वो बच्चा भी करेगा, सिर्फ हमें उसको प्रॉब्लम में डालना लाजमी। प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि वो प्रॉब्लम जिसका कोई सोल्यूशन ही ना हो, टीचर्स और एट द बैक टीचर्स को सब पता है, दे आर द फैसिलिटेटर्स, दे नो इट वेरी वेल, दे जस्ट नीड टू गिव शो देम अ करेक्ट पाथ और गिव देम अ प्रॉपर गाइडेंस। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा सकीना, यहाँ पे एक सवाल पूछ रही है जो मेरे दिल पे आके लग गया कि हाउ कैन यू इंप्लीमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। आप जवाब देंगी, मैं दूं, मुझे वो वाली वीडियो याद आ गई है जो फ्लोटिंग वाली वीडियो नहीं है, हमने देखी थी
जिसमें कॉन्सेप्ट दे रहा था। अच्छा मैं थोड़ी सी बताती हूँ, फिर आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। भाई हमने एक छोटी सी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, अगर आप सकी ना वो भी ढूंढे तो आपको भी मिल जाएगी। अर्ली ईयर्स के कॉन्सेप्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट वो पढ़ाते हैं जिसमें हम फ्लोटिंग और सिंकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं कि कोई चीज़ कुछ चीज़ फ्लोट करती है और कुछ चीज़ें सिंक कर जाती हैं। यहाँ पर टीचर ने कोई प्रोजेक्ट इस तरह से इंप्लीमेंट किया था जहाँ पे बच्चों से उन्होंने कहा था कि आपने बोर्ड बनानी है जो कि फ्लोट कर जाए, ठीक है, और शर्त ये लगाई थी कि फ्लोट तो वो करे। इसके बाद एक कॉइन्स का पूरा एक वो बनाया था, बंच बनाया था उन्होंने कहा कि, बल्कि बंच भी नहीं बनाया था, उन्होंने कहा कि कॉइन्स हैं एक थैली में डाल के रखे हुए थे कि ये सारे कॉइन्स मैं उसके ऊपर रखूंगी, बस ये है कि आपकी जो बोट है उसको फ्लोट करना चाहिए, उसको सिंक नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली और याद है बच्चों ने कितनी वियर्ड किस्म की एक शेप्स बना के और फिर उन्होंने सिर्फ पेपर पर खाली इस तरह से करके और डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से जो है वो बोट्स बनाई थी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही कन्वे हो रहा था, मतलब कॉन्सेप्ट तो वही था फ्लोटिंग एंड सिंकिंग का, और बच्चों ने बहुत रैंडम बोर्ड्स बनाई थी इफ यू रिमेम्बर, कि वो पेपर किसी ने लगाया था, किसी ने जो है वो टिश्यू का रोल उसके ऊपर खड़ा कर दिया था ताकि उसके किसी भी तरीके से उन्होंने यही करना चाहा था कि मेरी बोर्ड सिंक ना हो। उनका मेन पर्पस यही था, उनका ऑब्जेक्टिव एक क्लियर था उनके सामने बिल्कुल। और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में उन्होंने वो चीज़ें बनाई, बहुत ही रफली बनाई, बहुत क्विकली बनाई, और उसके बाद उन्होंने उसको फ्लोट करने की कोशिश की, और उसके बाद टीचर ने मोस्ट प्रॉब्ली व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि टीचर ने एक और अपॉर्चुनिटी दी होगी कि अपने डिज़ाइन को रीडिफाइन करें, ये हो सकता है कि ये, और फाइंड आउट करें कि ये सिंक क्यों कर गई, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि जाहिर है वो सारे बच्चे जो हैं एक दूसरे की बोर्ड्स को ऑब्जर्व कर रहे थे वन आफ्टर दी अदर, तो उनको कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन मिला होगा कि आपका बेस स्ट्रेट होना चाहिए, आपके साइड स्टीप होने चाहिए टू बी एबल फॉर योर बोर्ड टू फ्लोट। तो ये वो लर्निंग हो रही है जो कि अर्ली ईयर्स के लेवल पे नियर टू इम्पॉसिबल है कि आपके बोर्ड का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कि वो फ्लोट कर जाए। मैथ्स लेके आ रहे हैं वो डायरेक्ट, उसमें मैथ्स लेकर आ रहे हैं, साइंस लेकर आ रहे हैं, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग लेकर आ रहे हैं कि बायो मिमिक्री की जब हम बात करते हैं कि चीज़ें जो फ्लोट करती हैं उसका रीज़न क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट जो हैं वो बड़े बड़ों को पढ़ाना मुश्किल होता है, और ये अर्ली ईयर्स के लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, और वो भी इतने मज़े से तफरी में, मतलब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं कि भाई मेरे बोट क्यों जो है वो सिंक कर गई, ठीक है मैंने उसको जो है वो साइड से स्टीप नहीं किया था, साइड से स्लैंटेड नहीं किया था, जिसकी वजह से वो साइड से वो जो नो मोल्ड वो पेपर था, पेपर जाहिर है वो मेल्ट होके अंदर चला गया पानी के अंदर, तो वो जो है वो सिंक हो गई। So they were paper quality, they will keep on changing their materials even. Materials as well, कि waxy material होना चाहिए, इस वजह से वो sink, you know, there was enormous amount of learning which was very natural, very easy, very playful. I think nothing like it. I mean, और इसमें साइमन में एक बात जरूर add up करना चाहूँगी कि facilitator का जो main एक role है एक स्टूडेंट को लर्नर लाने के लिए, उसके अंदर एक बात क्लियर बता दे कि फेलियर आएगा, वो फेलियर आपको खत्म, मतलब वो आपको फेलियर का मतलब ये नहीं दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज द वे फ्रॉम वेयर यू विल गोइंग टू रीस्टार्ट बिल्डिंग योर योर प्रोडक्ट और योर वट एवर यू ऑन यू आर वर्किंग ऑन। पर ये जो एक ट्रायल एंड एरर से जो आपकी लर्निंग हो रही है वो कब, वो किसी और चीज से नहीं होगी। बिल्कुल, हमारी पहली क्लास बहुत अजीब सी गई होगी जूम पे, और फिर दूसरे दिन हम बहुत अच्छे गए होंगे, फर्स्ट क्लास में हम शायद स्लाइड शेयर नहीं कर सकते थे, बट दूसरी क्लास में जब जाने से पहले आधा दिन उसी में निकाला था कि हाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्लाइड, किस तरह से स्लाइड शेयर करें, ये सारी चीजें भी हम एज ए टीचर ने फेस की है। और मैं उन तमाम टीचर्स को जो अभी मेरी ऑडियंस है, अपने आप को यू हैव टू कीप योर सेल्फ इन दैट शूज, और आप रियलाइज करो कि हम भी तो उसी टाइम से निकले हैं, और आप अपने जमाने की बात नहीं करो, ये जो पेंडेमिक वाला टाइम आया था ना उसमें हमने यही सारी चीजें करके हम सीखे हैं, सो व्हाई नॉट वी चेंज द स्टूडेंट इनटू अ लर्नर। Very right. यहाँ पे रुकिए, एक बात कह रही है कि to make the structure of the board perfect, the teacher is standing with them and helping them and not letting them give up. यहाँ पे टीचर का रोल जो फैसिलिटेटर वाला है रशीदा, यहाँ पे बहुत अच्छे से फोकस हो रहा है कि देखिए टीचर वहाँ खड़ी हुई है उन बातों को जेनरेट करने के लिए कि ये फेलियर क्यों हुआ, जो रशीदा ने बात की कि फेलियर हो गया तो ये भाई बोर्ड सिंक क्यों हो गई, टीचर उस बातों को जेनरेट कर रही है, लेकिन जब बच्चे बोर्ड बना रहे हैं तो टीचर वहाँ पे हेल्प नहीं करेगी,
नहीं करेगी, नहीं करेगी। टीचर वहां पे हेल्प नहीं कर उस रही वक्त क्योंकि उस वो आपके अंदर को टीचर को कैसे रोकना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफिकल्ट एज वेल आई बिलीव। मैं वाकई कह रही हूँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम उस एरा से आ रहे हैं, मैं कहूंगी उस एरा से आ रहे हैं जहां से हमने भी यही सीखा है कि हमारी हम एक प्रॉब्लम में फंसते थे, टीचर आती थी फौरन करके चली जाती थी, एक सम्स हमें नहीं आ रहा, टीचर ने हमें हम जाके बोलते थे हमें ये नहीं आ रहा, रादर देन के हमारे टीचर हमें ये बताते हैं कि आपको आप देखो कि इसके सोल्यूशन पे कैसे जाते हैं, वो हमें डायरेक्ट सम सॉल्व करके दे देते थे। तो फिर हमने वो स्किल डेवलप की ही नहीं अपने में कि मुझे ये सम इस तरह से नहीं सॉल्व कर सकती तो मैं इस तरह से तो सॉल्व कर सकती हूँ। अगर मेरे क्लास में आज मेरा एक स्टूडेंट उसी सम को दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करके आ रहा है, इफ ही इज डूइंग सो हु एम आई टू मेक टू क्रॉस इट और हु एम आई टू से इट रॉन्ग, इट इज हिज वे ऑफ डूइंग दैट सम, वो अपने तरीके से कर रहा है। We have hundred of methods to do the maths problem, any maths problem. Mm-hmm. But the level of the student is that ke usko is ek bahut se bache hote hain wo baby steps ki tarah aage jaate hain aur bahut se bache bahut fast hote hain, unka mental maths itna acha hota hai ki wo log direct answer likh dete hain. Bilkul. But we knew it. They are able to do that. बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद अली शेख जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि पीपल स्टूडेंट्स स्टिल डोंट नो व्हाई दे आर स्टडीिंग मैथ्स इन स्कूल, व्हाट टीचर्स शुड डू टू मेक देम क्लियर अबाउट दिस सब्जेक्ट। मैं एक इसका रियल लाइफ एग्जांपल दूं साइमा? जी 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 बिल्कुल। ज्योमेट्री के बॉक्स के अंदर हमें सबसे ज्यादा चीजें, दो चीजें हमने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हाईलाइट की, एक प्रोटेक्टर और एक कंपस। की हमने कभी सेट स्क्वायर्स के बारे में सोचा कि ये क्यों होते हैं ज्योमेट्री के बॉक्स में? फालतू चीजें बस वो होते हैं, देते होंगे। किसी ने रियलाइज करवाया हमें कि सेट स्क्वायर्स की क्या वैल्यू है? नहीं करवाया ना। लिटरली जब मैं वापस वही बोलूंगी, जब ये मैं टीचर का पार्ट छोड़ के फैसिलिटेटर पे आई, एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि मुझे इन बच्चों को ये बताना है कि सेट स्क्वायर आपको किस तरह से यूज कर सकते हो एंगल बनाने के लिए। एंगल बनाने के लिए भी आप सेट स्क्वायर यूज कर सकते हो, उसकी वैल्यू क्या है और आगे जाके उसकी वैल्यू क्या है, एट इंजीनियरिंग पॉइंट पे आपको ये सेट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल। तो दैट इज ऑल अबाउट के जब तक वो टीचर फैसिलिटेटर नहीं बनेगा तब तक वो स्टूडेंट लर्नर नहीं बनेगा। अच्छा मोहम्मद अली शेख, मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करूंगी, एक और पॉइंट यहाँ पे आपके लिए ऐड करूंगी। मुझे ये बताएं, जो चीज आप बच्चों के लिए कह रहे हैं कि बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा कि हम मैथ्स क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि हम मैथ्स क्यों स्टडी करवा रहे हैं बच्चों को? क्या आपको पता है कि इस मैथ्स की रियल लाइफ में बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? बजाय इसके कि उनको पढ़ाया जाए कि मैथ्स क्या है, उनको ये पढ़ाया जाए, उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि इसको अप्लाई कहाँ किया जाए, ठीक है ना? आप प्रोजेक्ट में उनको फंसाए ऐसी जगह पे कि भाई ये करना है, अब जब ये करना है ठीक है ना, तो उसको करने के लिए उनको कौन कौन से मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे, यहाँ उनकी ऑटोमेटिकली लर्निंग हो जाएगी, आपको बताना ही नहीं पड़ेगा। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का सबसे प्यारी बात, जो सबसे खूबसूरत बात है, वो यही है कि आप बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम्स में डालते हैं कि कॉन्सेप्ट, बच्चे कहते हैं कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है वरना तो ये होगा ही नहीं, हम प्रोडक्ट के पीछे भागे जा रहे होते हैं। हमारा कोशिश है कि हम कॉन्सेप्ट अटवा दें बच्चों को, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बाकी एप्लीकेशन देखी जाएगी, जब बड़े होंगे तब खुद ही समझ जाएंगे कहाँ जरूरत है इसकी। हम प्लस माइनस सिखा देते हैं, हमें नहीं पता, बच्चों को नहीं पता कि उनको कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे अब प्लस माइनस का तो फिर भी कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि पैसे जब हमने इस्तेमाल करने ना, हम बच्चों को बोलते भी यही है, जब पैसे हाथ में आएंगे ना तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यूज कर लो, चार ऑपरेशन तो कंफर्म हो गए, वो बच्चे सीख भी लेते हैं, खुशी से सीख लेते हैं, लेकिन उसके अलावा कॉन्सेप्ट की रियल एप्लीकेशन को जिंदगी में ढूंढें और उसको प्रॉब्लम बना के बच्चों के सामने ले आएं और उस प्रॉब्लम को बच्चों की जिंदगी से कनेक्ट कर दें। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर बच्चों से ये कहा जाए कि अपना एक ड्रीम हाउस बनाएं या अपने रूम को रीडेकोरेट करें, एक ड्रीम रूम बनाएं,
ठीक है, अब उस ड्रीम रूम की उनको जाहिर है उनको मेजरमेंट करनी पड़ेगी, उनको कन्वर्जन करनी पड़ेगी मीटर से, जो सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्जन आ जाएगी। उसके बाद उसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जाहिर है स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, तो उनको डायमेंशनली पहले कन्वर्जन सारी होगी जाहिर है, फुट की कन्वर्जन भी होगी, मीटर की कन्वर्जन भी होगी सेंटीमीटर के अंदर, तो ही वो उस चीज़ को एप्लीकेबल कर पाएंगे कि भाई ठीक है उस रूम में उन्होंने फिट करना होगा, वो मॉडल उन्होंने क्रिएट करना होगा। सिमेट्री वो सीखेंगे कि सिमेट्रिकल चीज नहीं होगी तो गिर जाएगी, बैलेंस वो सीखेंगे, हाइट वो सीखेंगे, वेट वो सीखेंगे, मतलब क्या वो नहीं सीखेंगे आप मुझे बता दे खाली, वो खुद खुद करते चले जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते चले जाएंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि मिस ये बैलेंस नहीं हो रहा, ये खड़ा नहीं हो रहा, तो आपने वहां पे उनको सपोर्ट करना है। ये सपोर्ट बहुत मुश्किल है लेकिन यही सही लर्निंग है, वो सपोर्ट में आंसर आ जाते हैं सारे आंसर नहीं दे रहे, रोकना है अपने आप, वही रोकना है, वही रोकना है क्योंकि मैं कहती हूँ इस प्रोसेस के टाइम पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन हैं, मैं उनसे यही कहती हूँ कि ड्यूरिंग दीज प्रोसेस आपने जो स्किल्स अपने आप में डेवलप करोगे दैट विल बी अ लाइफ लॉन्ग स्किल्स एंड यू विल नेवर गोइंग टू फॉरगेट दैट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलिए एक और सवाल फ्लो करते हैं रशीदा, हम ये सवाल फ्लो करते हैं लोगों से कि जो लोग हमारे पास बैठे हुए, मुझे ये बताएं अपने स्कूल का कौन सा एक्सपीरियंस है जो आपको याद है, जो कोई एक्सपीरियंस, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी पर्टिकुलर लर्निंग जो आपको याद हो उसके बारे में बताएं कि वो क्या लर्निंग थी, उसमें क्या हुआ था, थोड़ा सा कुछ भी बता दें कि भाई यू नो टीचर ने एग्जैक्टली ऐसा क्या किया था जो आपको जिंदगी भर याद है और याद रहेगा। ठीक है, let's take some you know rote learning से निकल के हम retention level पे आ जाते हैं। The question is for the adults। नहीं तो बच्चे, हमारे बच्चे जवाब देना शुरू कर देंगे। recent वाले ना आए अपने जरा वो जो decade वाले जो है ना वो सारे आके अपने जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है I would like really people to answer that question और तब तक हम जो है अपनी slide पे second slide पे जाते हैं। ठीक है, next slide पे जाते हैं। And here we are going to show the what is autonomous learner model look like. It has five different dimensions, and all these dimensions means me. I want to say all these stages are very important. हम उसको एक-एक करके एक-एक step को एक-एक stage को elaborate करेंगे. In our next slide, we will going to talk about the orientation. Then the second one is individual development. Then comes the enrichment. Fourth one is seminar. And then the fifth one is in-depth study. और जिन्होंने PBL किया हुआ उनको बहुत लगेगा कि बहुत ज्यादा relate करते हुए जा रहे हैं हम इन चीजों को। So let's move to our next slide, Saima. Yes. Orientation. ये this is the first stage where the learner will going to where the learner plus the teacher and here I'm going to say the even though the parents they need to understand what God giftedness a child has, what talent the child has, what intelligent and creativity a child has. At this level, if we will going to understand, that will work for the child a lot. इसके बारे में हम ज्यादा और बात करते हैं तो सामा बहुत ऐसे बच्चे होते हैं क्लास में आप उनको बोलो कि स्पेशली बैक बेंचर्स उन बैक बेंचर्स को पीछे इसीलिए बैठना होता है उनको पता है कि जो वो आके अभी टीचर जो लेसन देगी मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए अब एक टीचर को टीचर के साथ पेरेंट्स को भी मैं कहूंगी इस बात इस दफा मैं पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहूंगी इस मेरी बात में उनको ये चीज उन बच्चों के अंदर मोटिवेट करनी है कि मेरा मैं जो लेसन करवा रही हूँ हाउ यू विल गोइंग टू लर्न in your way right how is it going to be beneficial for you mere khayal se hum benefit bhi connect kar dete hain to bacche khud ba khud auto mode pe aa jate hain yes auto mode pe aa jate hain agar mera less agar aapko dekho ki mera hi bataya hua lesson aap kis tarah se learn kar sakte ho apne way mein जैसे इंग्लिश की एक रीडिंग की बात आ जाती है लैंग्वेज की लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है अब देयर आर डिफरेंट वेज टू डू दैट You can do the reading. You can read and read reading. कोई भी किस्म की reading, चाहे आप billboards read करते हो, चाहे आप read are you reading novels or you are reading stories, newspapers, articles, कुछ भी. So that is depend on the child. That is depend on the learner in which way he wants to read.
एक अपना एक आप कहते हो ना कि एक कंफर्ट जोन होता है हमारा, उस कंफर्ट जोन में हम किस उस कंफर्ट जोन में ही हम अपने टैलेंट को निकालते हैं बाहर, एल्स एल्स तो ये पॉसिबल नहीं है. अपनी क्रिएटिविटी को तभी हम बाहर लेके आते हैं. और देन मुझे मुझे एक और चीज में यहाँ पे इश्यू आता है, यूजुअली मैं जो लोगों से कहती भी हूँ कि हम इतना फोकस करते हैं कि रीडिंग आनी चाहिए, बच्चों को रीडिंग आनी चाहिए, हम रीडिंग स्किल्स क्यों नहीं सिखाते, स्किम स्कैनिंग स्किल्स क्यों नहीं सिखाते, हम उनको रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं सिखाते, रीडिंग फॉर डिटेल्स क्यों नहीं सिखाते. मतलब देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्किल्स विच आर रिलेटेड टू रीडिंग इन पर्टिकुलर. हम रीडिंग क्या सिखाते हैं, रीडिंग करो, नहीं ये तुमने पढ़ा नहीं होगा इसलिए समझ नहीं आ रहा तुम्हें. आपकी उसकी स्किम रीडिंग के लिए देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज व्हिच टीचर्स कैन डू. एग्जैक्टली, प्री रीडिंग एक्टिविटी में आपके पास आप एक गूगल करो, आपको एक साइट पे 10-10 आपको वेज मिलेंगे. बिल्कुल, टू टीच दैट लिटिल पार्ट, दैट लिटिल कॉन्टेंट. एक प्री रीडिंग के एक एग्जाम्पल, एक पिच, आप एक स्टोरी है, स्टोरी को पढ़ाने के लिए इफ आई वांट माय चाइल्ड, आप सबसे पहले द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज टू डेवलप द वोकैबुलरी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू नीड टू मेक श्योर के वट एवर द चाइल्ड विल गोइंग टू रीड ही शुड अंडरस्टैंड वट इज डज इट मीन, एंड टू डू दैट यू हैव टू क्रिएट दैट वोकैबुलरी. नेक्स्ट हम फिर जाते हैं प्री रीडिंग के लिए, तो यू कैन गो फॉर के आप उसी रीडिंग की स्किम रीडिंग करवा दो. जस्ट अलाउ द चाइल्ड टू दैट फॉर 2 मिनट्स यू आर गोइंग टू रीड दिस कंटेंट, दिस पैसेज और दिस टेक्स्ट, एंड देन वी विल गोइंग टू गो फॉर अनदर एक्टिविटी रिलेटेड टू दैट, एंड दैट विल हेल्प द चाइल्ड अलॉट. ये छोटे छोटे जो टारगेट है ना, टास्क देते हैं, उससे जो बच्चा सीखता है तो दैट विल, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्या था उसको उसको रीड करवाना, यू विल अल्टीमेटली रीच टू दैट टारगेट. एग्जैक्टली, आपका गोल अचीव हो जाएगा उस उन इन छोटी छोटी ये प्री रीडिंग, वाइल्ड रीडिंग, पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज से. बिल्कुल, देयर आर नंबर ऑफ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स आल्सो अवेलेबल, कि आपने ग्राफिक ऑर्गेनाइजर पिक कर दिया, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का लेआउट हो और बच्चे उसको फिल करें तो वो बहुत खुशी से करते हैं. एक्चुअली दे एंजॉय डूइंग इट. राइट, नेक्स्ट हमारा जो स्टेज है दैट इज इंडिविजुअल डेवलपमेंट. अब यहाँ इस स्टेज की जब हम बात करें तो ये वो वाला स्टेज है जब हम एक्सप्लोर करते हैं, वो बच्चा जानेगा और जानने के साथ साथ दैट द चाइल्ड विल गोइंग टू लर्न इंडिपेंडेंटली, एंड दैट इज दिस इज द मेन स्टेज विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. दिस इज द लाइफ लॉन्ग स्टेज, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा ये. यहाँ इस स्टेज पे जो बच्चा सीखेगा, डिवेलप करेगा अपनी स्किल्स, वो समझेगा आइदर, और ये चीजें उसको बाद में भी एक अपना करियर डिवेलप करने के लिए भी वो बहुत काम आएंगी. अगर आप इसको और अगर हम लोग इलैबोरेट करते हैं तो मैं ये कहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक टास्क दिया और उस टास्क के अंदर आप चाह रहे हैं कि बच्चा अपना साइंस और मैथ्स, जैसे हम स्टेम में करते हैं साइंस मैथ्स और इंजीनियरिंग और सारी चीजें टेक्नोलॉजी को लेके चले. अब आपका मेन गोल था कि मुझे इसको मैथ्स पढ़ाना है, बट अल्टीमेटली उस बच्चे को मालूम है कि मुझे मैथ्स तो मेरा फोर्टे नहीं है, बट अगर उसका आईटी स्किल उस वक्त उसको हिट कर गया, एंड इट दैट विल हेल्प द चाइल्ड टू कम टू दैट सॉल्यूशन अपनी टेक्नोलॉजी. यस, वो उसने अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया उस अपनी आईटी स्किल से. अब इसी तरीके से अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग से, जैसे मुझे कैसे ये समझ में आ रहा है, मैं ये किस तरह से सोचती हूँ या मैं किस तरह से ये समझती हूँ कि ये मेरे सामने जो मेरे टीचर ने एक टास्क रखा है तो मैं इसको किस तरह से लेके चल सकती हूँ. बिल्कुल, तो दैट इज द स्टेज वेयर द टीचर विल गोइंग टू फैसिलिटेट द चाइल्ड. आपने resources provide कर देनी है और इतनी autonomy देनी है बच्चे को, इतनी liberty देनी है कि बच्चा अपने flexibility होनी चाहिए. निकाले, हाँ, flexibility होनी चाहिए. बिल्कुल, that is very important. आप एक अपना एक एक आप कहते हो nutshell के अंदर रह के काम नहीं करवा सकते, उनको एक थोड़ा एरिया देना पड़ेगा तो लेट देम एक्सप्लोर. और अगर हम वही चीज नहीं देंगे साइमा तो आई एम सॉरी टू से हम वो नहीं सिखा सकेंगे, हम वही सिखाएंगे जो हम सीखते रहे हैं.
सही, अभी तक हमारे पास वो एग्जाम्पल नहीं आए जो लोगों ने बताने थे कि जो अपनी स्कूलों में अपनी उसमें अपने अपनी लाइफ में अपने स्कूल लाइफ में जो सीखे हों, जो आपको याद हो। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दोज रिस्पॉन्सेज, अगर स्टूडेंट भी देना चाहें तो आई डोंट माइंड। अब तो ये कि रिस्पॉन्स दें कि आपकी अपनी स्कूल लाइफ में आपने ऐसी कोई चीज़ जो आपको याद हो और आपको लगता हो कि ये आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग का हिस्सा है, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे, प्लीज़ डू मेंशन दैट। बिकॉज मैं बहुत गारंटीड हूँ कि बहुत कम एक्सपीरियंसेस हैं हमारे पास ऐसे जो कि हमारे लाइफ लॉन्ग लर्निंग का हिस्सा है। तो जो अगर हमारी जो इतनी सालों की एजुकेशन है उसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट नहीं है जो कि हमारी लाइफ लॉन्ग लर्निंग का हिस्सा है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने बच्चों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज या ऐसे यू नो मौके फराहम करें, ऐसे इवेंट क्रिएट करें जो कि उनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग का हिस्सा बने? तो क्या हम ऐसे सीखना चाहते हैं जैसे हमें सिखाया गया है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलें नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज एनरिचमेंट। अब ये वो वाली चीज आई जो मैंने आपको पहले भी बोला कि एक्सप्लोर करें, इन्वेस्टिगेट करें कि मुझे ये अगर मैं इस प्रॉब्लम में हूँ तो मैं इस प्रॉब्लम के किस तरह से बाहर आ सकती हूँ। अपना एक पेस ढूंढना है हमें, ठीक है, अपना लर्निंग पेस ढूंढना है कि मुझे क्या चीज, किस चीज को मुझे ज्यादा अगर ये अगर हिंडर कर रही है, जैसे कि मैं उस चीज को किस तरह से अपने लेवल से उसको सॉर्ट आउट कर सकती हूँ, या अपनी प्रॉब्लम को मैं किस तरह से उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकती हूँ। और यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें हम इस स्टेज पे देते हैं उनको, एज अ टीचर और एज अ लर्नर मैं ये कहूंगी कि उनको ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए दें, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम ज्यादा मौके फराहम करें। और यहाँ पे अगर हम कहते हैं ना कि क्लासरूम में बैठ के उनको सारा पढ़ाना है, नहीं, उनको ये भी डेवलप करें कि आउटसाइड द क्लासरूम भी आप बहुत ज्यादा स्टडी कर सकते हो। एंड दैट कैन, ये जो हम एडवेंचर टिप्स ट्रिप्स की बात करते हैं कि आप उन सारी ट्रिप्स के दौरान कौन कौन सी चीजें हैं जो बच्चे सीख के वापस स्कूल लाते हैं। अगर हम उनको एक नॉलेज क्लास में दे, एक नॉलेज एक टीचर ने क्लास में दी, तो इट डजंट मीन कि वो जब क्लास से बाहर जाएगा तो वहां पे उसका वो वाला फेस बंद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, उस बच्चे को ये हमें बताना है, ये सपोर्ट करना है, उनके उसके अंदर ये केपेबिलिटी उसकी ये उसको बतानी है कि यू कैन लर्न थ्रू योर फ्रॉम योर एनवायरमेंट, एंड दैट इज वेयर वी आर लर्निंग ऑल द टाइम। इवन हम भी, मैं अपनी बात भी करूंगी, एट एवरी डे, जैसे हम कहते हैं ना कि गूगल करने, आजकल कुछ भी आप अपना लेसन प्लान करते हो, लेसन प्लान करने के लिए यू विजिट लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स। बिल्कुल, उस वेबसाइट से भी आप बात नहीं होती, आप कुलीग से बात करते हो, तो वो भी आपकी एक लर्निंग पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड दैट इज हाउ यू आर, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज रीचिंग टू द डेस्टिनेशन, रास्ता डज नॉट मैटर। यस, रास्ता कोई भी हो, अगर आप देखें वही वाली बात है कि जो हम अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना भी चाहते हैं और हम कहते हैं कि भाई ठीक है, हमें कोई बता देता है कि आप एक काम करें, यहाँ से स्ट्रेट चल जाएं, फिर राइट टर्न ले लीजिएगा, फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न ले लीजिएगा, फिर राइट टर्न लीजिएगा, तो आ जाएगा। अगर मैं ये राइट टर्न लेफ्ट टर्न राइट टर्न नहीं लेती हूँ, मैं स्ट्रेट चली जाती हूँ, तो भी मैं रास्ते पर पहुंच जाऊंगी, मैं पहुंच जाऊंगी, ठीक है। ये मेरा तरीका है सोचने का, राइट, ठीक है, ये मेरा तरीका है सोचने का। दूसरा बोलता है कि मैं राइट टर्न लूंगा ही नहीं, मैं लेफ्ट टर्न लेके आगे से घूम के आ जाऊंगा। तो मकसद तो पहुंचना है ना, तो मैंने वही बोला ना, वो मैथ्स का सम है, मैथ्स का सम सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके हैं, उसको उसको आंसर लाना है। अगर वो आंसर चले, वो बात हम ये नहीं कहते, इट डिपेंड्स, ग्रेड्स वाइज डिपेंड करता है, जो जैसे जैसा ग्रेड होगा उस हिसाब से बच्चा आपको आंसर देगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसा जैसा उस बच्चे की जितनी काबिलियत होगी, वो बच्चा आपको उसी तरीके से उस चीज का जवाब देगा। इट डजंट मीन कि इस लेवल पे आके एक टीचर ये सोच ले कि ही इज नॉट अप टू द ग्रेड या अप टू द लेवल ऑफ द क्लास। उस लेवल तक उस टीचर को कैसे लाना है, अब वहां पे उस टीचर का काम आएगा कि उसको उस क्लास लेवल तक कैसे लाना है, कैसे, क्योंकि वो सारी क्रिएट, वो उसकी उसकी क्रिएटिविटी को कैसे एनहांस करवाना है और कैसे उसको मोटिवेट करना है, वो एक टीचर का काम है। बिल्कुल, यहाँ पे एक मोहम्मद शेख जो हैं वो हमारे साथ थ्रू आउट हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम बच्चों को जो है टेबल्स याद करवाते हैं, नोट लर्निंग करवाते हैं, जो कि बच्चों के लिए एक्सकर्जन हो जाता है, मतलब वो इरिटेट हो जाते हैं, वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। अब बात वही है कि टेबल्स,
टाइम टेबल, पता नहीं मैंने अपनी वक्त में कभी याद किया था तो ये नहीं किया था, या किया था करवाया तो मुझे भी गया था, मुझे अच्छे से याद है कि मुझे भी टेबल्स याद करवाए गए थे, 9 तक तो याद करवाए गए थे 100%। मुझे नहीं याद है बहुत सारे टेबल्स, मुझे 7 के बाद से या 6 के बाद से भी टेबल याद नहीं है, 5 तक के मुश्किल से याद है, ठीक है, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे यहाँ पे वो उसका फोकस कम हो गया था, तो आई डोंट रिमेम्बर, बट डज राइट, दैट मीन दैट आई एम नॉट एबल टू मेक माई कैलकुलेशंस? आप उसको एडिशन के थ्रू भी करके लेके आ सकती हो, बिल्कुल। दैट इज अप टू यू। आई नीड टू अंडरस्टैंड द स्किल हाउ टू वर्क आउट अ मैथ्स प्रॉब्लम एंड नॉट यस अबाउट मेमोराइजिंग इट टू बी एबल टू आंसर इट। अच्छा मुझे मेरे मुझे एक और चीज़ याद आ गई रशीदा, आई हैड दिस वन स्टूडेंट इन माई ट्यूशन सेंटर, जहाँ पे वो बच्ची मैथ्स के सारे सम्स याद करती थी। रूट लर्निंग, यस, बिकॉज उनके स्कूल में ये था कि जो बुक में 10 सवाल है वही वहीं 10 आएंगे। सवाल जो है वो कॉपी में होते थे, और वही 10 सवाल जो है पेपर में आते थे। एंड यू वॉन्ट बिलीव इट वेन, अच्छा शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसने सारे सब्जेक्ट में उसके फुल मार्क्स आते हैं, वो भाई बहुत फर्स्ट आने वाली बच्ची। एक दफा मुझे मैथ्स का पता चला, पता है मुझे पता इस तरह से चला कि मैंने उसको एक मैथ्स का प्रॉब्लम दिया, ठीक है, उसी की बुक में से ही दिया, एंड शी वर्क इट आउट। अच्छा मेरी आदत थी मैं प्रॉपरली स्टेप्स चेक करके, अब मैं देख रही हूँ तो कि सारे स्टेप्स इसने जो है वो गलत लिखे हुए हैं लेकिन आंसर सही है। अब मैं सोच में पड़ गई, मैंने कहा सारे स्टेप्स इसने पूरा प्रोसेस गलत लिखा है, आंसर सही है, ये कैसे हो सकता है? फिर मैंने उसकी बुक में देखा तो बुक में भी जो है मतलब जो कॉपी थी उसकी उसमें भी सारे स्टेप्स गलत लिखे हुए थे, आंसर सही था। तब मैंने रियलाइज किया, मैंने उसे कहा, मैंने कहा अच्छा एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें दो तीन क्वेश्चंस और देती हूँ। पहली दफा था कि मैंने उसको क्वेश्चंस अपनी तरफ से दिए, एंड शी सेड आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, मिस ये तो बुक में से नहीं है। शी रिस्पॉन्डेड बैक स्पॉन्टेनियसली, मिस ये तो बुक में से नहीं है। मतलब उसको उसने घोल के बुक पी हुई है, मैंने कहा यही इस बात हो बुक गई। का क्या, हाँ आई वॉज लाइक कि बुक का क्या ताल्लुक है, वाई डू यू नीड टू आई मीन इवन टॉक अबाउट इट। मैंने क्वेश्चंस दिए, सॉल्व इट, राइट, ये बुक में है ही नहीं। तब मैंने रियलाइज किया शी वुड रोट लर्न ऑल दोज मैथ्स क्वेश्चन एज वेल, एंड आई वाज लाइक मैन, मतलब उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है लेकिन इज इट गोइंग टू बी यूजफुल इन हर रियल लाइफ? क्या वो फायदा होगा कभी उसको लर्निंग का? वो कभी भी अप्लाई नहीं कर सकेगी इस नॉलेज को, बिकॉज शी डजंट अंडरस्टैंड हाउ दिस नॉलेज अप्लाइज टू द रियल वर्ल्ड। ऑल शी नोज इज के रोट लर्निंग मींस पेपर, एंड पेपर मींस असेसमेंट, मींस यू नो पासिंग एंड फेलिंग एंड गेटिंग यस गुड मार्क्स एंड गेटिंग, आई मीन शी वाज द हाईएस्ट अचीवर इन द क्लासरूम। क्योंकि सायमा उसके वहां का पैटर्न ही वही था, उसको मालूम था कि मेरे टीचर को मुझे बुक में से ही इसी यही 3 सवाल या 4 सवाल देने, सो व्हाई नॉट आई एम गोइंग टू रेटिफाई ऑल दोस 10 सम्स एंड स्कोर हायर मार्क्स इन माय क्लास। Do you consider that child to be an intelligent child or the child who is struggling with a real content in a real रियल context and struggling out to solve the problem? Is that person more intelligent or this girl? रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को वो नहीं सॉल्व कर सकेगा। वो एक मैंने कहा ना शुरू में, मैंने बोला था कि व्हाट इज अ गुड स्टूडेंट, तो वो वाली डेफिनेशन आती है कि अगर आप एक गुड स्टूडेंट देखते हो तो वो हमारे जो पुराने टीचर्स है वो यही कहेंगे जो एक अच्छा ग्रेड लेके आ जाए, टॉपर हो, रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पेक्टफुल हो और अपना ओबीडियंट हो। कोई ये नहीं बोलेगा कि वो क्रिटिकल थिंकर हो, क्रिएटिव हो, एनालिटिक हो, क्रियोसिटी हो उसके अंदर पूछने की। वो बिल्कुल टीचर क्या कहता है, बहुत सवाल करता है ये बच्चा मेरे से। अरे तो यही तो चीज चाहिए हम बच्चों को, चाहिए कि वो लोग अपनी क्रियोसिटी हमारी तरफ जाहिर करें, हमसे पूछें। एंड बट ये वाली वो बात आती है सायमा, फिर मैं कहूंगी कि वो टीचर उस सवालों से बचने के लिए उस बच्चे की क्रियोसिटी मार देती है, वो उसकी जो बिल्कुल स्किल हो उसको मतलब वो गला दब जाता है उस बच्चे का, उसकी उसकी वो स्किल का। साइंस आई क्लास में थिंक दिस इज द बेस्ट, आई थिंक दिस कुड बी अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एनी टीचर टू ग्रो विद द चाइल्ड रादर देन यू यस नो रादर देन फीलिंग दैट अथॉरिटी, यू शुड बी ग्रोइंग विद द चाइल्ड। अगर बच्चा एक प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, बजाय इसके कि ये कहने के ये चुप हो जाओ ये आपके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ट्राई टू लिव दैट प्रॉब्लम विद दैट चाइल्ड।
why is that problem bugging that child? You need to get into that and try solving that problem along with the child, or you know, give him direction, give her him direction कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. जैसे सायमा, आपको आपको या मैं, हम उस रूट लर्निंग वाले टाइम से आए हैं. मैं अपनी, जब मैं साइंस क्लास में जाती हूँ तो आजकल के जो बच्चे हैं वो इतने क्यूरियस हैं हर चीज को लेके, कि मैं साइंस क्लास में, मैं ये बात मैं अपनी प्राइमरी टीचर्स को भी साथ में शेयर करती हूँ कि अभी हम लोग अर्थ एंड बियॉन्ड के, मतलब प्लैनेट्स के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं. आपने अपनी टीचर से कभी ऐसा कोई सवाल किया होगा कि ब्लैक होल क्या है, गैलेक्सी क्या है? वो जो टीचर ने पढ़ाया हमने वो पढ़ लिया, हमने जो समझा समझ लिया, आंसर लिखे. आज याद भी नहीं है. आप यकीन करोगे, एवरी अदर डे व्हेन आई एम गोइंग इनटू माय साइंस क्लास, मुझे आई हैव टू बी प्रिपेयर विद द क्वेश्चंस दैट विल बी गोइंग टू थ्रो ऑन मी बाय माय स्टूडेंट्स. वो मुझे, मैंने उनके लिए एक ऐसे ही क्वेश्चन रखा था कि डू यू नो कि देर आर कंट्रीज विच हैव 6 months ऑफ डार्कनेस एंड 6 months ऑफ डे लाइट. तो देवर लाइक के नो, मैंने कहा ओके, दिस इज अ क्वेश्चन, आई एम एंडिंग माई क्लास ऑन दिस क्वेश्चन एंड नेक्स्ट डे यू विल हैव टू फाइंड आउट द आंसर. ऑब्वियसली दे गूगल डिड एंड दे कम विद द आंसर. वन ऑफ द चाइल्ड स्टूड अप एंड ही सेड, टीचर इफ यू आर सेइंग दैट 6 months दे आर हैविंग डार्कनेस एंड 6 months दे आर हैविंग डे टाइम, तो इट मीन्स कि एक दिन तो होगा ना जब दिन होगा उनके यहाँ पे पूरा 24 आवर वाला. I was amazed. मैंने कहा मैं ये कितना डीपली उस बच्चे ने सोचा है. हम लोग उसी में थे कि वो ये में जवाब आ गया. वो कुछ, वो जो बच्चे थे वो वाला ग्रुप के एंटार्क्टिका, नॉर्थ पोल, साउथ पोल यहाँ से आ गया, और वो बच्चा ये सोच के आ रहा है कि एक दिन तो होगा ना जब वो पूरा दिन एंजॉय करेंगे, जब पे दिन भी होगा और रात भी होगी. And secondly, there are so many things which may be a failure in their country. के भाई ठीक है, जो है वो डे टाइम में ये हो सकता है, मतलब what would be life like for them? I would also like to think about how would be life like to them, because रात है तो रात ही है, रात ही है. So are they having working night? और वो लोग मुझे, वो उसका जवाब मुझे खुद ही दे रहे थे कि teacher, they need to settle an alarm for that. They can't sleep for the whole day because it's the daytime, it's the night time, it is darkness outside there. One a human being can't sleep more than 8 hours or more than 12 hours. Pura din nahi so sakta. That person needs to get up. Aur mujhe wo jo mujhe question maine rakhe nahi the, wo khud hi un cheezon ka jawab sirf ek question se leke aa gaye. And there were plenty of information they shared with us. Exactly. And that's curiosity. That's you can get into the details of the you know, Hawaii, is it North Pole and South Pole, जो एक वो जो concept है, वो concept establish करना कितना आसान हो जाएगा जब ये curiosity हो जाएगी कि ठीक है, now you consider yourself being in that part of the world, see how life would be like, and then you know why, and is it going to be cold, is it going to be hot, is it near to the equator or it's far from the equator, and how does it make it a difference because of the location, geographical location ki wajah se aap kahan hai aur kis tarike se aapki life affect ho rahi hai. So there can be a lot of learning over here, auto learning actually, auto learn. यही वाले जो हम, मैं कहूंगी ना, ये यही ऐसे क्वेश्चंस टीचर्स प्रिपेयर करके जाएं अपने लेसन से. व्हाट आई कैन से के पोस्ट रीडिंग वाली जो एक्टिविटी है कि आपने अपना टॉपिक करवा दिया और पोस्ट रीडिंग वाली एक्टिविटीज में ऐसे क्वेश्चन, थिंकिंग क्वेश्चन उनके बच्चों के सामने रखें जिससे उनको ये अपने, वो खुद सोचें, वो अपनी स्किल्स से, अपनी एबिलिटीज से वो उसके जवाब खुद आपको दें कि ऐसा भी हो सकता है. Now, coming to the fourth stage, that is the seminar. Now, this is the time when the child will going to present. He will going to choose a topic. He will going to do explore that topic in its own way. Now, अगर हम सेमिनार की बात करते हैं तो यहाँ पे जब अपनी प्रेजेंटेशन, when the child will going to present, he also need to present that presentation in front of some audience. बिल्कुल. Because उसके, that is the time he wants to be assessed. कि वेदर देर इज समथिंग विच वेंट रॉन्ग, और उस इस ऑडियंस के लिए ये एक्टिविटीज, जैसे हम करवाते हैं, हमने डिबेट करवाई, एक टॉपिक लिया, हमने उस पर डिबेट करवा दी. अब उस डिबेट करवाने के लिए आपकी टारगेट ऑडियंस आप स्टूडेंट्स भी रख सकते हो, आप टीचर्स को भी इन्वाइट कर सकते हो,
आप दूसरे ग्रेड्स के बच्चों को भी इनवाइट कर सकते हो एंड दे विल गोइंग टू असेस यू थ्रू दैट और देयर फीडबैक their feedback this is their assessment is their feedback their feedbacks will going to help the child to aap keh sakte ho ki you will they will going to learn again relearn wali baat aati hai na bilkul wo apne hi trial and error se dobara seekhega where it went wrong which part I need to highlight or which part I need to focus on more bilkul बिल्कुल मतलब वो यही वाली बात है कि रीडिफाइन करना या रीमॉडिफाई करना अपने अपनी चीज को इंप्रोवाइज करना बिल्कुल टेस्ट करने के बाद अपनी चीज को मॉडिफाई करना वेरी वेल सेट और इस चीज को करने के लिए ये जो लास्ट स्टेप है That is the in-depth studies. Or this is the stage when the child will going to learn and when the child will going to decide what he wants to learn and how they will going to learn that. जब उसने एक चीज आप अपनी चीज की प्रोजेक्शन कर देते हो और उसके बाद आपका जो रिफ्लेक्शन आता है जो सेल्फ रिफ्लेक्शन हम कहेंगे दैट इज द टाइम व्हेन यू विल लर्न मोर सेल्फ जर्नलिंग वाली बात आती है रिफ्लेक्शन वाली बात आती है तो इस चीज के अंदर आप और ज्यादा स्टडी करोगे उस चीज को वो बच्चा और अपनी चीज को स्टडी करेगा उस टॉपिक के बारे में और ज्यादा पढ़ेगा चाहे वो इंडिविजुअली हो अगर वो ग्रुप टास्क है तो वो पूरा ग्रुप टास्क करेगा एंड दिस इज द टाइम व्हेन द फैसिलिटेटर द टीचर विल गोइंग टू फैसिलिटेट हाउ ही और शी विल गोइंग टू फैसिलिटेट एंड सपोर्ट दैट चाइल्ड कि उनकी स्टडी किस तरह से होनी चाहिए एंड व्हाट विल गोइंग टू हेल्प देम आउट टू रीच देयर फाइनल गोल एग्जैक्टली एंड दिस इज व्हाट इज मतलब वही वाली बात है कि डेस्टिनेशंस डिफाइन कर दें और रूट उनको खुद लेने दें रूट उनको खुद लें वेल सेट एंड दिस इज हाउ नाउ वी कम टू एंड आवर प्रेजेंटेशन That was interesting actually. Rashida, I think ke wohi wali baat hai ke journey matters. End product let the children decide. Autonomous learning is giving children an opportunity to be liberal enough to identify which route they would like to take to reach to the destination. Yes, but it is only be done by a good facilitator. By good guidance, by a good support, whether it is a teacher or a parent. ये एक ट्रायो है उसके अंदर एक जितना टीचर का काम है उतना ही पेरेंट का काम है बिकॉज एट टाइम्स होता है कि एक फैसिलिटेटर ने अपना काम किया है बट व्हेन द चाइल्ड इज गोइंग आउटसाइड द क्लास ही नीड्स सम गाइडेंस देयर टू एंड दैट कैन ओनली बी डन बाय द पेरेंट इफ द पेरेंट इज नॉट फैसिलिटेटिंग द चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट द चाइल्ड तो फिर वो जो फैसिलिटेटर वाला काम होगा फिर वही स्पून फीड पे आ जाता है यहाँ पे तो एक और मसला भी आ जाता है रशीदा कि व्हेन वी टॉक अबाउट बीइंग अ फैसिलिटेटर फॉर द पेरेंट्स हमारे पास ये होता है कि हम बच्चों को प्रोजेक्ट्स देते हैं और बच्चे के प्रोजेक्ट्स पेरेंट्स बनाते हैं पेरेंट्स बना के ट्रायंगल बन गए ना वो ट्रायंगल नहीं बनाना मुझे वो ट्रायंगल किसी और तरीके का भी ट्रायंगल चलाए मुझे ट्रायंगल मंजूर है पर वो ट्रायंगल उसी बच्चे का होना चाहिए क्योंकि ये वो है प्रोजेक्ट वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी वो प्रोजेक्ट वो आखिरी वाला प्रोडक्ट बना के ले आएंगे वो प्रोडक्ट कैसे आया वो नहीं पता है बिल्कुल और दूसरा एक और चीज भी होती है जहाँ पे हम प्रॉब्लम्स में बच्चों को डालते हैं और टीचर आके मतलब पेरेंट आके कंप्लेन करता है आपने तो समझाया ही कुछ नहीं आपने तो मसले दे दिए बच्चों को सही तो मेरे बच्चों को तो नहीं आता आप थोड़ा सा समझा दें उसको वो थोड़ा सा समझाने का इशारा नहीं देके जा रहे वो बहुत ज्यादा समझाने का इशारा देके जा रहे एंड दैट इज एक्चुअली चिल्ड्रन से ज्यादा मेरे ख्याल से बच्चों से ज्यादा रशीदा हमें पेरेंट्स को भी इस चीज के लिए ट्रेन करना है इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है कि इफ वी आर नॉट गिविंग देम अ सॉल्यूशन देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट दिस इज द टाइम द पेरेंट्स शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट इन व्हिच वे द टीचर द टीचिंग क्योंकि वो पेरेंट्स का भी कसूर नहीं है जैसे हम है टीचर हैं हम भी उसी एरा से आ रहे हैं उन्होंने भी वैसे ही पढ़ा हुआ है कि टीचर ने बोर्ड पे लिखा हमने अपनी कॉपी में लिखा एंड जस्ट याद किया और नेक्स्ट डे पेपर में टेस्ट आया तो देख क्या आ गए उसमें उस पेरेंट्स का भी कसूर नहीं है बट व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड बीइंग अ टीचर बीइंग अ पेरेंट हमें ये चीज का इस चीज को समझना होगा कि हमें उस बच्चे की स्किल्स को किस तरह डेवलप करना है एंड दिस इज द टाइम दैट वी नीड टू डेवलप द स्किल्स रादर देन Making them learn 2 by 2 multiplied by 2 is 4.
टू मल्टीप्लाई बाय टू इज फाइव. हाँ क्यों नहीं हो सकता फाइव, क्यों नहीं हो सकता. ऐसे आजकल तो ऐसे बहुत ज्यादा फेसबुक पे आते हैं टू प्लस टू, टू मल्टीप्लाई बाय टू इज फाइव. अब वो किसी तरीके से उस फाइव को आंसर लाना है और एवरीवन इज और इज डूइंग दैट. सो अपने अपने मेथड अप्लाई करता है. बिल्कुल. तो लॉजिकल थिंकिंग इज व्हाट इज आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन यू नो इवन इफ इट इज दैट यू आर ट्राइंग टू प्रूव समथिंग रॉन्ग दैट मींस कि यू आर ट्राइंग टू प्रूव दैट यू हैव अ नॉलेज साउंड नॉलेज ऑफ समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी डन. तो यू आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट एंड यू आर एबल टू मेक कनेक्शंस ओवर देयर एंड यू आर एबल टू एस्टैब्लिश समथिंग ओवर देयर. सो दैट इज आई थिंक बिलीव टू बी मोर इम्पॉर्टेंट देन रादर जस्टिफाइंग द फैक्ट के या अग्रीइंग टू द फैक्ट व्हिच एवर हैज बीन गिवन बाय हूएवर कि ठीक है अगर आपने किसी ने टू प्लस टू फाइव दिया है तो बजाय इसके कि मैं आर्गुमेंट करूंगी मैं ठीक क्योंकि ठीक है यार सही होगा मुझे क्या पता होगा. आई डोंट केयर इंस्टेंट ऑफ के उस बात को डिसएग्री करके उसका प्रूफ लेके आओ उसको बताओ वो चीज डेवलप करवानी है. और आई थिंक प्रिजर्वेरेंस मेरा बहुत ज्यादा फोकस इस बात पे होता है कि प्रिजर्वेरेंस जो है वो बच्चों में खत्म होती जा रही है. They don't want to stay with the problem. कोई problem के साथ वो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, वो बैठना चाहते नहीं हैं. तो आई थिंक एजुकेटर्स आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू के बच्चों में प्रिजर्वेरेंस डेवलप करें, बच्चों में ये चीज़ डेवलप करें कि वो प्रॉब्लम के साथ ज़्यादा देर तक बैठें, उसको स्ट्रगल करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें. और इसका बेस्ट सोल्यूशन है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या स्टेम एजुकेशन जहाँ पे बच्चे जब एक प्रॉब्लम के साथ ज़्यादा देर तक बैठते हैं, ज़्यादा देर तक उसको स्ट्रगल करके कोशिश करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो अदरवाइज आप डेवलप करना चाह रहे हैं वो भी डेवलप होते हैं, इनोवेटिव भी ये बच्चे होते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग अगेन वही 21st सेंचुरी स्किल्स जो है वो डेवलप तभी होगी जब वो प्रिजर्वेरेंस आएगी, यानी कि बच्चा एक प्रॉब्लम के साथ बैठ के उसको स्ट्रगल करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा. और ये इस तरह से नहीं होता कि बैठ जाओ और काम करो, नहीं, उनको मोटिवेट करना है उनको उस सिचुएशन में डालना है जहाँ पे वो ऑटो मोड पे चले जाएं कि यार ये तो मैंने करना ही करना है. जैसे सबसे जरूरी बात इसमें मैं बोलूंगी फेलियर सिखाना है उनको. बिल्कुल. जैसे फेलियर नहीं सिखाया. Yes. हमने असल में जैसे बच्चे गेम्स खेलते हैं ना तो अगर बच्चे पहली गेम में जो है जीत जाते हैं तो उसमें उनकी इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, वो खत्म हो जाती है, वो फॉरेन नेक्स्ट गेम पे चला जाएगा, वो नेक्स्ट गेम पे चला जाएगा. जैसे फेलियर होती जाएगी तो बच्चा उसी पर अटका रहेगा कि व्हाट स्ट्रेटजी आई नीड टू अप्लाई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पे मैं और क्या करूँ, यहाँ मैं और क्या करूँ. सो दिस इज लर्निंग, दिस इज रियल लर्निंग कि जब बच्चा स्ट्रेटेजाइज करता है, जब वो प्रॉब्लम सोल्यूशन के तरफ जाता है, बार बार उसको अटेम्प्ट करता है, बार बार फेल होता है. सो फेलियर जरूरी है. रशीदा ने बहुत अच्छी बात बोली कि फेलियर जरूरी है और फेलियर से जो लर्निंग है वो सक्सेस से भी नहीं है. सक्सेस एक रास्ता है, फेलियर हजार रास्ते हैं. तो वो हजार रास्ते जरूर सिखाएं, वो एक रास्ता जो है वो जिंदगी का रास्ता है वो मिल ही जाएगा. लेकिन स्कूल में अगर फेलियर्स की वजह से जो लर्निंग होगी वो लाइफ लॉन्ग सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी. So this was the key message that Rashida I think wanted to convey over here. Rashida, एक और message जो कि आप otherwise आज पूरे हमारे जितने भी audience बैठे हुए हैं यहाँ पे उनको देना चाहें और teach online की जो बहुत सारे audience हैं जो कि आके देखते रहेंगे ये video, उनको कोई message देना चाहें तो. अगर if you are a student, transform yourself into a learner, and if you are a teacher, please be a facilitator. And this is the high time to do so. This is a high time. We need to develop these children, our children, different skills, their hidden skills, which they have. They have different types of skills. They have creativity in them. But what we are doing, we are just killing their creativity, their skills. Wo God gifted, har bachcha kisi na kisi skill se God gifted hai. We need to just कॉन्टेंट पे इतना फोकस ना करें. कॉन्टेंट हमने भी पढ़े थे
और अपने वक्त में पढ़े थे, अपने तरीके से पढ़े थे, और उसको जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें वो कंटेंट, अगर पढ़ाने भी हम जा रहे हैं तो हमें वो कंटेंट वापस पढ़ने पड़ते हैं। मुझे फोटोसिंथेसिस वापस पढ़ना पड़ा, मुझे प्लांट कैसे ग्रो करते हैं वापस पढ़ना पड़ा, मुझे साइंस के सारे कॉन्सेप्ट वापस पढ़ने पड़े। तो वो कॉन्सेप्ट जो टीचर्स ने पढ़ाए थे, जो इतने उन्होंने हाफ एन आवर के, 1 घंटे का लेक्चर दे के उन्होंने पढ़ाए थे, और फिर उस पर क्वेश्चन मार्क्स करवाए थे, और क्वेश्चन में मैंने मार्क्स पास भी किया, और मैं आज मतलब मैं मैट्रिक भी कर गई, और मैं जो है वो जो है ग्रेजुएशन भी कर गई, मैं मास्टर्स भी कर गई। लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट अगर मुझे आज भी पढ़ने पड़ते हैं पढ़ाने के लिए, तो क्या वो कॉन्सेप्ट वाकई फ़ायदेमंद थे, या कि मैंने जब पढ़ाते हुए जो स्किल्स डेवलप की है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, स्पीकिंग पावर वाले स्किल्स, या मेरे प्रेजेंट यू नो इंटरेक्शन वाले स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, इंट्रापर्सनल स्किल्स, मेरे लॉजिकल स्किल्स जो मैंने डेवलप किए, जो कि मैंने पढ़ाते वक्त डेवलप किए, क्या ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आज आपसे इंटरेक्ट कर पाती हूँ उस तरीके से जैसा कि आप लोग चाहते हैं। तो ये वो स्किल्स हैं जो हमने बच्चों में डेवलप करने हैं, और इसके अलावा बहुत सारे इनोवेटिव स्किल्स हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स हैं। तो फोकस अपना कंटेंट से हटा के स्किल्स पे जब ले आएंगे, तो आई थिंक ज़िंदगी को आप और खूबसूरत बना देंगे अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। बिकॉज़ जब वो बच्चा कहीं सक्सेसफुली खड़ा होगा, क्रेडिट देगा कि मेरी टीचर ने मुझे ये सिखाया है, सोचे आपके लिए वो क्या अचीवमेंट होगी, जो कि हम शुरू से भी बात कर रहे थे कि हमारे बच्चों में हम अपनी अचीवमेंट देखते हैं। थैंक यू सो मच रशीदा फॉर बींग विद अस एंड गिविंग अस सच योर प्रेशियस टाइम, पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट टुगेदर टू कन्वे अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज ओवर हियर, which is very difficult otherwise to put forward, and I'm so glad that you are able to be with me for such a long time. It was lovely having you on our platform, and definitely we'll keep on bugging you more. We are going to bring you more onto our stage and talk to people, because people are already enjoying a lot. All those people who have joined us, please subscribe कर लें चैनल को, हमें ज्वाइन करते रहिएगा। अगले हफ्ते हमारे पास एक उर्दू की उर्दू लैंग्वेज की एक जो कहते हैं ना, मैं तो कहूँगी इंटरनेशनल शायरा हैं, जिनको हम इनवाइट करेंगे, जो कि जिन्होंने अपने मुशायरे किए हैं, इंडिया में भी किए हैं और पाकिस्तान में भी किए हैं, एंड शी इज़ राइटिंग, शी इज़ अ स्क्रिप्ट राइटर, शी इज़ राइटिंग ड्रामास फॉर हम टी वी एज़ वेल। सो आई वुड लाइक टू इन्वाइट हर ऑन टीच टॉक नेक्स्ट वीक, इंशाल्लाह शी इज़ गोइंग टू ज्वाइन अस। ज़रूर ज्वाइन करेगा हमें, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई हम ऑनलाइन होने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट सैटरडे एट 10 PM सेम टाइम। इट वॉज लवली हैविंग यू ओवर हियर। इफ देर आर एनी क्वेश्चन फॉर माई सेल्फ फॉर रशीदा, वी आर बोथ रेडी टू आंसर इट। आप यहाँ पे नीचे सवाल डाल दीजिएगा, हम आपको रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। इट वॉज लवली हैविंग ऑल ऑफ यू ओवर हियर। लेट्स वेव गुड बाय टू एवरी वन रशीदा। लास्ट इज साइमा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू कम एंड स्पीक ऑन दिस वंडरफुल टॉपिक। Most welcome. It is learning for all of us, and anything can be done for learning, actually. Yes. So we wave Love goodbye it. to everybody. Goodbye, everyone, and hope to see you next week. Bye bye. Inshallah. Bye bye.